हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग. एम आई विजिबल? चलिए, तो वॉइस आ रही है मेरी? सुबह सुबह इतने लोगों को मैंने बिठा लिया एक बार एक साथ. चलो, सो वेरी गुड मॉर्निंग ना, और शुरू करते हैं आज का सेशन विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मोमेंट. मेरे एक बार बता दो कि ऑडियो वगैरह प्रॉपर है या नहीं. ऑल सेट? ठीक है, चलो ठीक है, परफेक्ट है ना. सो आज से देखो अपन अपना नया बैच शुरू करने वाले हैं. आज की जो क्लास है वो डेमो क्लास है, वो यूट्यूब पे भी अवेलेबल होगी. ठीक है, तो एक दो क्लासेस डेमो की यूट्यूब पे अवेलेबल होंगी, बाकी तो अपनी ऐप पे ही चलाएंगे. ठीक है, सो ये जो बैच है इसका ड्यूरेशन है 120 आवर्स. पहले मैं आपको पूरा ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? 120 आवर्स इस बैच का जो ड्यूरेशन है, रेगुलर रेगुलर कोर्स है. ठीक है, अब कई लोग जो सोचते हैं कि यार हम तो फास्ट ट्रैक चाहिए, तो इट इज इक्वल टू फास्ट ट्रैक ओनली. ठीक है, आप इसके अंदर मैं कवरेज क्या क्या करवाने वाला हूँ. कवरेज ये है कि स्क्रैच से लेके मानते हुए कि आपको कुछ नहीं पता जीएसटी के बारे में, और आज आप खुद ही देखोगे, जब आप आज का लेक्चर भी देखोगे, पहला सेशन है, कि आप क्या आपको लग रहा था कि आपको बहुत कुछ पता है लेकिन आपको नहीं पता. ठीक है, जाहिर सी बात है कि आप लोगों के पास 8 सब्जेक्ट होते हैं तो एक लिमिटेड ही चीज पता होती है. तो मैं तो ये सब्जेक्ट पढ़ाता हूं तो मैं आपको बहुत कुछ चीजें बता पाऊंगा. ठीक है, कवरेज क्या क्या होने वाला है इस बैच के अंदर, मैं आपको सारे के सारे कॉन्सेप्ट तो करवाऊंगा ही, पूरा बैकग्राउंड वगैरह समझाऊंगा. दूसरी बात है कि सारे के सारे क्वेश्चंस क्लास में इधर सब SMRTP MTP और 3 से 4 बार रिवीजन. तो ऑल दो ये बैच जो खत्म हो जाएगा वो खत्म हो जाएगा 6 या 7 जुलाई के आसपास, बट आपके एग्जाम्स तक मैं आपके साथ ही रहूंगा जैसे मैं प्रीवियस बैचेस के साथ रहता हूँ, और इनफैक्ट एग्जाम्स के बाद भी. ठीक है, आप लोगों की जॉब वगैरह के टाइम है ना, तो मैं आप लोगों के साथ ही रहूंगा. एक सेकेंड, ओके. हाँ सर. नहीं सर, मैं स्टार्ट कर दिया. हाँ, अभी तो YouTube पे है सर आज वाला सेशन. हाँ सर, सॉरी, प्रतीक जगाती सर का फोन तो है ना. सुनना सुनना मेरी बात सारी. इस बैच के अंदर सारे के सारे कॉन्सेप्ट, सारे के सारे क्वेश्चंस, और प्रीवियस ईयर की RTP MTP सब कवर करवा दूंगा मैं आपको. अब पहली बात तो अपन इस पेपर के पैटर्न पे आते हैं कि पेपर का पैटर्न कौन सा है. ठीक है, सब जो IDT का पेपर पैटर्न है ना, वो इस तरीके से है कि IDT ऐसा पेपर है जहां पे आप इजीली 70+ नंबर आ सकते हैं. IDT ऐसा पेपर है जहां आपके इजीली 70+ नंबर आ सकते हैं, मैं तो बोलूंगा 75+ नंबर आ सकते हैं. आप इस बैच का भी रिजल्ट देखना, कितने बच्चों के 80+ नंबर आएंगे, और प्रीवियस बैचेस का भी देखना. तो कोई बड़ा काम नहीं है. अगर आप IDT में 50 या 55 मार्क्स लेके आते हैं ना, तो आप ये मान के चलो कि आपने कोई अच्छा काम नहीं किया. ये इकलौता ऐसा पेपर है जहां बहुत अच्छे नंबर लाए जा सकते हैं. ठीक है, पूरा ग्रुप 2 का आपका एग्रीगेट IDT बना देगा अगर आपने इसको थोड़ी भी सही तरीके से कर लिया, और ज्यादा एफर्ट्स भी नहीं लगेंगे. आपको क्या करना है कि क्लास की क्लास के अंदर जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, घर पे रिविजन तक की भी जरूरत नहीं है. मैं तो मान के चलता हूँ क्योंकि मैं ही रिविजन करवा दूंगा 3 से 4 बार आपको. ठीक है, बस क्लास आपको रेगुलर सुननी है. अब आप क्लास ही मिस कर दोगे तो मैं कह नहीं सकता. ठीक है, अब IDT का जो पेपर है उसको देखो, 100 मार्क्स का जो पेपर आता है वो किस तरीके से आता है. आपका जो GST वाला पोर्शन है वो होता है अप्रोक्सीमेटली 75 मार्क्स का होता है, और जो आपका कस्टम्स प्लस FTP वाला पोर्शन होता है उसके अंदर कस्टम होता है आपका 20 मार्क्स का, और FTP लगभग लगभग 5 नंबर का होता है. कई बार 4 का भी आ जाता है, तो कई बार MCQs वगैरह ज्यादा आ जाते हैं तो 6 नंबर का भी आ जाता है. ठीक है, अब GST के अंदर भी दो पोर्शन है, एक तो
जो थ्योरिटिकल वाला पार्ट है ना जीएसटी का, हमसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि आप लोग क्या क्या गलती करने वाले हो, क्योंकि देखो क्या है, दूसरों की गलतियों से सीखना वो ज्यादा बेहतर है, और खुद अपने एक्सपीरियंस से सीखना तो सभी सीखते हैं मतलब, ठीक है। तो दूसरों के एक्सपीरियंस से सीखो, तो ये मैं पास्ट ईयर बच्चों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आपके, हर अटेम्प्ट के जो थ्योरी वाला पोर्शन होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर के आसपास का आता है, ठीक है, कभी दो या दो तीन नंबर कम, है ना, कम ज्यादा बस इतना, अप्रोक्सीमेटली 25 नंबर का आता है थ्योरी का पोर्शन। वो बहुत स्कोरिंग होता है जब पेपर कितना भी डिफिकल्ट आ जाए। देखो बहुत टाइम से आईडीटी का पेपर डिफिकल्ट आया नहीं है, एक तो हो सकता है कि इस बार पेपर डिफिकल्ट आ जाए आईडीटी का। अब इसमें भी डिफिकल्ट भी आया है ना, तो ये जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है ना जो कि अप्रोक्सीमेटली 50 मार्क्स का आता है, ठीक है, जहां पूरी आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज टेस्ट की जाती है, अगर आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो ही आप ये पार्ट कर सकते हो, अगर पेपर डिफिकल्ट आ गया तो आपके कॉन्सेप्ट अच्छे होने चाहिए, उसके बिना आप कर नहीं सकते। पर जो थ्योरी वाला पोर्शन है ना 25 मार्क्स वाला, इसका एक ही सोर्स है मल्टीपल रिविजन्स, जो हम कम से कम इसको 7 से 8 बार रिवाइज करते हैं, उसके बिना दिमाग में फिट नहीं होती, क्योंकि ह्यूमन ब्रेन की भी लिमिटेशन होती है। तो जो थ्योरी वाला पोर्शन है वो 25 मार्क का जो है वो अपन मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे, और जो कस्टम का 20 मार्क्स वाला पार्ट है ना, ये दोनों का जो 45 मार्क्स का पार्ट है ना, ये इतना स्कोरिंग है कि कभी भी पेपर डिफिकल्ट आ जाए, लेकिन आईसीआई के पास कुछ ऐसा है नहीं कि इसमें डिफिकल्ट दे दे, क्योंकि बस वो लिमिटेड थ्योरी है, वही कस्टम का पोर्शन है, ठीक है। तो ये आपको हमेशा पूरे के पूरे नंबर देंगे। बात रही जीएसटी के प्रैक्टिकल की और एफटीपी की, एफटीपी आईसीआई घुमा सकता है। देखो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं एकदम ट्रांसपेरेंट रहूंगा, ठीक है, मैं कभी भी आपको कोई चीज झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है, मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि मैं आपको 100 में से 100 नंबर दिला दूंगा, ठीक है, वो कभी भी नहीं करूंगा। बट हाँ मैं आपको रीजनेबल इतना बोल सकता हूँ कि अगर आप ठीक तरीके से क्लास देखें तो 70+ आ जाएंगे, वो बच्चे ऐसे भी होंगे जिनके 75-80 नंबर आ जाएंगे, पेपर डिफिकल्ट हुआ तो हो सकता है 65-70 पे जाके रेंज अटक जाए, है ना, क्योंकि क्या होगा कि मैं आपको कोई भी चीज ऐसी नहीं बोलूंगा। और मैं आपको पहली क्लास शुरू करने से पहले बता रहा हूँ कि आज बहुत क्या मौसम बहुत ज्यादा खराब है, तो इसलिए मैं आपको क्लास शुरू करने से पहले ही बता रहा हूँ आपको कि मैं चाहूंगा कि जब क्लास लाइव है ना तो आप कोशिश करो कि लाइव ही रहो, क्योंकि मैं आप लोगों के डाउट्स भी ले पाऊंगा, ऐप में भी जो हमारी चैट का ऑप्शन रहता है आप आराम से डाउट भी पूछ सकते हो। तो इट विल बी लाइक टू बॉन्ड, दोनों तरफ से इंट्रेक्शन रहेगा, दोनों तरफ से बॉन्ड रहेगा। इफ मतलब मैं अपने दिल से आपको एक बात प्रॉमिस कर रहा हूँ, ये बात कि टीचिंग इज नॉट लाइक दैट कि मैं जस्ट कर रहा हूँ कि भाई एक बैच खत्म हुआ दूसरा शुरू करना है, ऐसा मेरा कोई गोल नहीं है। आई लिटरली लव दिस थिंग, और आप लोगों को भी ये चीज दिख जाएगी, एंड आई विल ट्रीट यू गाइस जस्ट लाइक माई फैमिली ओनली, ठीक है। तो आप लोग आराम से भेजते क्योंकि कुछ भी पूछना हो कुछ भी वगैरह पूछ सकते हो आराम से, ठीक है। एक सेकेंड रुकना बस, जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, तो अब हमारा अभी हम जो करेंगे ना, देखो मैक्सिमम जो टाइम जो लगेगा ना अपना वो लगता है इस वाले प्रैक्टिकल पोर्शन में। इसमें कौन कौन से चैप्टर्स कवर हैं, इसमें जैसे आपके आईटीसी हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया, आरसीएम हो गया, एग्जम्पशन हो गया, प्लेस हो गया, टाइम हो गया, वैली हो गया, ठीक है, ये सारी के सारे चैप्टर इसमें कवर होंगे, जहां पे आपके कॉन्सेप्ट एकदम परफेक्ट होने चाहिए तभी आपके नंबर आएंगे, अदरवाइज आपके नंबर भी नहीं आएंगे, ठीक है। अब आपको क्या करना है, रेगुलर जो क्लास रहेंगी ना वो अप्रोक्सीमेटली 7:30 से 10 AM तक रहेंगी, रोज रखेंगे, हो सकता है सैटरडे संडे को कभी थोड़ा सा ज्यादा पढ़ा लिया, क्लासेस में आप कभी बोर होने वाले हो ही नहीं है, तो मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को लगता है ऑलरेडी 8 सब्जेक्ट का इतना स्ट्रेस है, मैं भी एक स्ट्रेस दे दूंगा तो फिर कोई मतलब नहीं है। क्लासेस आपको एकदम चिल तरीके समझ में आएंगी, बस आपको एक इसको रोज देखना है डिसिप्लिन से। तो एटलीस्ट आईडीटी का बर्डन आपके, कई बच्चे ऐसे होंगे जो ग्रुप 1 ही दिए हैं खाली, अभी ग्रुप 2 देना बाकी है, तो आप आपका टारगेट ये होना चाहिए कि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, रिजल्ट से पहले पहले आपकी क्लासेस खत्म हो जानी चाहिए ग्रुप 2 की, स्पेशली आईडीटी तो खत्म कर दो, आईडीटी और इलेक्टिव तो वैसे ही फर्जी है, तो 2 पेपर तो ऐसे चले गए आपके, तो एक बहुत बर्डन कम हो जाएगा, सो दैट अगले अटेम्प्ट में आप सीए बन के ही निकलो। अगले अटेम्प्ट में मतलब देखो एक अटेम्प्ट की कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, 6 से 7 लाख रुपए की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मेंटल प्रेशर जो होता है वो अलग है, तो इस चीज को सीरियसली लेके अगले अटेम्प्ट में खत्म ही कर दो, और आईडीटी अभी मेरे साथ साथ खत्म कर दो, वरना बैकलॉग क्रिएट होता जाएगा और आप लोग कभी क्लासेस कंप्लीट ही नहीं कर पाओगे, और सामने जब इतनी क्लासेस रहती है ना तो मजा नहीं आता, फिर 1.5 की स्पीड से देखो, 2 की स्पीड से देखो, ठीक है। तो ये तो पेपर पैटर्न है, तो हमारा देखो टारगेट क्या रहेगा, थ्योरी में आराम से मतलब नाला करते हुए 25-20+ नंबर तो आ जाएंगे,
कस्टम्स प्लस एफटीपी अगर हम मिला लें, ठीक है, तो आराम से इसमें 17 से 18 मार्क्स तो कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। और अगर हम प्रैक्टिकल पोर्शन की बात करें तो मैं इजीली इजीली अपने कितने नंबर आ सकते हैं, अपन जिस लेवल के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सारे के सारे जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो अगर पेपर एवरेज भी आया ना, मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम डिफिकल्ट भी आ जाए ना पेपर, तो भी आप यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा 15 से 16 नंबर लूज कर सकते हो, इससे ज्यादा नंबर लूज नहीं कर सकते। तो आराम से आपके यहाँ पे भी 35+ नंबर आराम से लाए जा सकते हैं। मैं आपको कोई हवाई सपने नहीं दिखा रहा हूँ, ये बहुत ही रीजनेबल टास्क है, इससे ज्यादा ही आएंगे बल्कि 50 में से। ये तो मैंने आपको बिल्कुल एवरेज स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बताया आपको सारी की सारी चीजें, ठीक है। अब आप सुनना, शुरू करते हैं इस सब्जेक्ट को, और पहला चैप्टर जो है वो है बेसिक इंट्रोडक्शन। अब बेसिक इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है ना, अब अगली जो अगली क्लास होगी ना 1 घंटे की, अगले 1 घंटे जो मैं बोलने वाला हूँ वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं होगा, लेकिन आपको उसका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही जो कॉन्सेप्ट है ना, ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग है, आप देखोगे पूरा आईडीटी है ना इंटरलिंक्ड है, हर चैप्टर एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा लिंक्ड है। तो ये जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगी ना, इससे आपको हेल्प मिलेगी आईटीसी चैप्टर में, प्लेस सप्लाई चैप्टर में, आगे इतने सारे चैप्टर हैं। तो अगर आपके बेसिक्स अगर क्लियर नहीं होंगे ना, आपको यही नहीं पता होगा कि ये चीज क्यों आई क्यों आई, है ना, जैसे जीएसटी क्यों आया, जीएसटी से पहले क्या था, उससे पहले क्या था। तो आप अगर आपको सिस्टम समझ जाएगा ना पूरा का पूरा, तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। तो अगला जो 1 घंटा है वो भले एग्जाम ओरिएंटेड ना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए और आपको मजा भी आएगा, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएंगे, फ्लैशबैक में जाएंगे, ठीक है। तो पहली बात तो सिंपल सी बात है कि हम टैक्स पढ़ रहे हैं, तो टैक्स का क्या मतलब होता है? तो देखो टैक्स क्या है, कंपलसरी चार्ज है ना, टैक्स क्या है, कंपलसरी चार्ज है, कोई डोनेशन नहीं है। जैसे आपने लगान मूवी देखी होगी, तो उसके अंदर क्या करते थे कि भाई लोगों से पैसा वसूलते थे, जमींदारों से पैसा वसूलते थे, क्यों, कर वसूलते थे देश चलाने के लिए। जब इंडिया आजाद हुआ तो उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, इसको कंपलसरी लेवी कर दिया, क्या है, कंपलसरी चार्ज। अब टैक्स भी दो तरह का होता है, एक डायरेक्ट टैक्स होता है, एक इनडायरेक्ट टैक्स होता है, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, ये सारी बातें खैर मेरे ख्याल से फाइनल लेवल में आके आपको पता होती है, इतनी बात तो बेसिक बातें, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ। अब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है कि लेवी और कलेक्शन एक ही इंसान से होगा, जिसके ऊपर लेवी होगा वही उसी से इंसान वही इंसान जमा करा के आएगा गवर्नमेंट को। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो मैंने 10 लाख रुपए साल के कमाए, ठीक है, तो अब उसमें बेसिक स्लैब वगैरह देख के गवर्नमेंट लेवी भी मेरे पे करेगी और गवर्नमेंट को डिपॉजिट भी मैं ही कराऊंगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या हुआ कि जितनी ज्यादा मेरी इनकम बढ़ेगी उतना ज्यादा मेरे को टैक्स देना पड़ेगा, या डायरेक्ट टैक्स हो जाता है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स ये होता है कि लेवी किसी और पे होगा लेकिन कलेक्ट किसी और पे, कलेक्ट किसी और से करूंगा मैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, लेवी मेरे ऊपर हो रहा है कि मेरे को गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन कलेक्ट मैं आप लोगों से कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेवी एंड कलेक्शन जब अलग अलग लोगों से होता है उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इनडायरेक्ट टैक्सेशन में ऐसा क्यों किया कि लेवी एंड कलेक्शन अलग अलग लोगों से किया? मतलब ये तो आप लोगों को भी पता है कि आप बिस्किट खरीदने जाते हो तो उसके अंदर टैक्स लगा हुआ रहता है, इनडायरेक्ट टैक्स। आप एक चॉकलेट भी खरीदने जाते हो तो उसमें इनडायरेक्ट टैक्स लगा हुआ रहता है, तो ऐसा क्यों किया? जैसे मान लो आप चॉकलेट खरीदने गए कैडबरी की, तो गवर्नमेंट कैडबरी से क्यों टैक्स ले रही है, आपसे क्यों नहीं ले रही? तो देखो सिंपल सी बात है, हर इंसान से टैक्स लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट डायरेक्ट टैक्स ही कलेक्ट करने में गवर्नमेंट को दिक्कत आ जाती है, पर डायरेक्ट टैक्स देने वाले तो कम लोग हैं, तो फिर भी गवर्नमेंट ले पाती है, ठीक है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं है हमारे देश में, क्योंकि इतनी जनता है, 130 करोड़ की जनता होगी टोटल। अब वहां हर इंसान से हर इंसान कोई ना कोई सामान कंज्यूम करता है, फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई वर्कर है, कोई लेबर है, वो भी कोई सामान खरीद के लाता है, तो गवर्नमेंट उसको थोड़ी बोलेगी कि भैया 10 रुपए के बिस्किट के पैकेट पे तू हमें टैक्स दे, नहीं देगा ना वो। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, गवर्नमेंट ने ये बोला कि काम करते हैं सप्लायर को ही पकड़ते हैं कि भाई एक ही कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल पार्ले कंपनी को पकड़ते हैं जो इतने सारे लोगों को बिस्किट बेच रही है, ठीक है, तो वहां से टैक्स कलेक्शन करना आसान है, ठीक है। तो गवर्नमेंट टैक्स किससे कलेक्ट करती है, गवर्नमेंट टैक्स उससे कलेक्ट करती है जहां गवर्नमेंट को लगता है ना कि भाई ये टैक्स दे सकता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में टैक्स सप्लायर ही जमा कराता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑल्दो टैक्स आप ही ने मेरे को दिया है पर जमा मैं गवर्नमेंट को मैं कराऊंगा, ठीक है। तो टैक्स कौन जमा कराता है, सप्लायर जमा कराता है। बट कुछ ऐसे केसेस भी हैं जहां पे गवर्नमेंट ने रिसीवर को बोला है कि भाई तू जमा करा, वो एक चैप्टर है रिवर्स चार्ज, आरसीएम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, हम वहां देखेंगे, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने बोला कि कोई ऐसा फिक्स रूल नहीं है कि हमें सप्लायर से चाहिए, गवर्नमेंट बोलती पैसा आना चाहिए भैया, चाहे तो सप्लायर दे चाहे रिसीवर दे, पैसे में कोई कमी नहीं। तो जहां पे गवर्नमेंट को लगा कि सप्लायर से टैक्स लेना फिजिबल नहीं है, वहां पे गवर्नमेंट ने रिवर्स चार्ज की कॉन्सेप्ट ला दी है। ये जितना भी पूरा का पूरा लॉ है ना, आप देखोगे कि मेनली मोटो ये रहा है कि देखो किसी भी लॉ का प्राइमरी मोटो ये होता है कि देश का कल्याण हो, देश का भला हो,
लेकिन आप जब पूरा का पूरा जीएसटी पढ़ोगे तो आपको कहीं ना कहीं ये भी फील आएगी कि गवर्नमेंट ने इस तरीके से लॉज बनाए कि गवर्नमेंट के रेवेन्यू को जरा भी फर्क ना पड़े, जरा भी इफेक्ट ना हो और गवर्नमेंट का रेवेन्यू अच्छा खासा आता रहे। और अगर मैं आपको बताऊं, पिछले साल गवर्नमेंट ने अब तक हिस्ट्री का हाईएस्ट कलेक्शन किया है इनडायरेक्ट टैक्सेशन का, जीएसटी का। डायरेक्ट टैक्स से कई गुना पैसा गवर्नमेंट जीएसटी से कमाती है। तो ये देश में मतलब अपने आप में टैक्स, सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म है जीएसटी। मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊंगा। मैं आज आपको देखो क्या करना है, मैं आपको बताता हूँ। कई एक जना पूछ रहे हैं कि नोटबुक मेंटेन करनी है क्या, तो देखो मैं आज आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा इस चैप्टर की। तो हमारी जो बुक्स हैं वो अभी प्रिंटिंग प्रोसेस में है, क्योंकि 30 अप्रैल तक की सारी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। कई लोग होते हैं जो पहले बुक निकाल देते हैं, पर भाई पहले निकालने का कोई सेंस नहीं है, फिर बाद में सप्लीमेंट्री इशू करो। तो इसलिए हमने सारी अमेंडमेंट इनकॉर्पोरेट करके ही आपको बुक देंगे। वो बुक आपको 10 जून, हम 10 जून तो मैक्सिमम डेट है तब हम डिस्पैच कर देंगे इसको, 10 जून मान के चलो, है ना। 10 जून को हमारे यहाँ से डिस्पैचिंग शुरू हो जाएगी, 2 से 3 दिन में आपको मिलना शुरू हो जाएगी। तो ये तो हो गई, तब तक आप पीडीएफ आपको मिली जाएगी। नोटबुक मेंटेन करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि कोई पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसको वहीं लिखते चलो। जैसे जब तक बुक नहीं है तो किसी कॉपी में लिख लो। अगर आपको लगता है ऐसा, बुक आ जाएगी तो मैं सारी चीजें वापस से रिवाइज करवा दूंगा। एक बार एक दिन अपने ऐप पे बैठ के मैं सारा का सारा आपको क्लास में रिवाइज करवा दूंगा, सो दैट आप वापस से नोट डाउन कर सको। ठीक है, अब सुनना। हाँ, पीडीएफ जो होंगी वो अपने टेलीग्राम ग्रुप है ना, अपना जो क्लास वाला स्टूडेंट का टेलीग्राम। बहुत सारे बच्चों ने भी वो टेलीग्राम ग्रुप ही ज्वाइन नहीं करा, तो कर लेना। मेल पे लिंक आया होगा, कई बच्चों के स्पैम फोल्डर में भी चला गया वो लिंक, तो वहां पे भी देख लेना। ठीक है, और वो पीडीएफ प्रिंटेबल फॉर्मेट में होगी, कोई इशू नहीं है। ठीक है, अब आप इतनी बात समझ पाए कि डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स क्या हुआ, जिस पे लेवी हुआ वही कलेक्ट करेगा, वो हो गया डायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या हुआ कि लेवी किसी और पे होगा, कलेक्ट किसी और पे होगा। तो अगर मैं एक बात कहूं, अगर मैं ऐसे चार्ट बनाऊं, रुकना, अगर मैं ऐसे दो ग्राफ बनाता हूं, मान के चलो ये हो गया मान लो आपका टैक्स का अमाउंट और ये हो गया आपका इनकम का अमाउंट। ये कौन सा टैक्स हुआ? इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी टैक्स भी वैसे वैसे बढ़ेगा, इसको बोलेंगे डायरेक्ट टैक्स। प्रोग्रेसिव इन नेचर, जितनी जितनी आपकी इनकम बढ़ेगी उतना उतना आपका टैक्स बढ़ेगा, ये प्रोग्रेसिव इन नेचर हो जाएगा। और अगर मैं इसकी बात करूं, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट टैक्स, चाहे आपकी इनकम कितनी हो। फॉर एग्जाम्पल मान के चलो कि मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता हूँ, ठीक है, और मैं एक घड़ी लेके आया। ये अब इस घड़ी पे मान के चलो 1,000 रुपए का जीएसटी लग गया। अब कोई इंसान महीने के 50,000 कमाता है, कोई इंसान महीने के 5 लाख कमाता है, सब पे 1,000 रुपये लगेगा फिर वो, ऐसा नहीं है। तो टैक्स का अमाउंट फिक्स रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द इनकम। इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, समझ रहे हो आप मेरी बात? क्लियर है? अब जीएसटी क्या है? जीएसटी इंडिपेंडेंट इंडिया का बिगेस्ट टैक्स रिफॉर्म है। मतलब अब मैं आपको जीएसटी पढ़ा रहा हूं ना, मैं डायरेक्टली शुरू कर दूं, जैसे अपन एक मूवी देखते हैं। अब मूवी में आज की डेट में आपको हीरो खड़ा हुआ दिख रहा है, लेकिन उसका बैकग्राउंड कि भाई कैसे कैसे आया, कब पैदा हुआ, इसकी घर की कंडीशन क्या थी, कैसे था, फिर आपको 10 मिनट का बैकग्राउंड बताते हैं, फिर जाके आप लिंक कर पाते हो। ठीक है, तो अभी मान के चलो कि मूवी है और मैं आपको इसका पूरा का पूरा बैकग्राउंड समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़ेंगे, आपको भी मजा आएगा, और थोड़ी बेसिक नॉलेज है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ऑल दो आगे की सारी क्लासेस एग्जाम ओरिएंटेड ही होंगी, ऐसा नहीं है, बट मैं आपको विद कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, क्योंकि फिर मजा नहीं है अगर लॉ भी विदाउट कॉन्सेप्ट पढ़े तो। ठीक है, तो जीएसटी से पहले क्या था? अब जीएसटी कब आया? जीएसटी आया था 1 जुलाई 2017 को जीएसटी आया था। उससे पहले क्या था? उससे पहले ये था आपके प्री जीएसटी। जीएसटी से पहले क्या था? वैट और सीएसटी, जिसको अपन क्या बोलते थे, सेल्स टैक्स बोलते थे, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम जो कि आज भी है, और सर्विस टैक्स। ये जीएसटी से पहले मेजर टैक्सेस थे जो लगते थे। ठीक है, अब सेल्स क्या बोलते हैं, ये सेल्स टैक्स जो है वो किस पे लगता था, सर्विस टैक्स किस पे लगता था, कस्टम किस पे लगता था, एक्साइज ड्यूटी किस पे लगती थी, एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे, सेल्स टैक्स लगता था सेल्स पे। ठीक है, अब वैट कब लगता था और सीएसटी कब लगता था? देखो अगर आप इंट्रा स्टेट सप्लाई करते थे ना, खुद के स्टेट में, तब तो लगता था वैट।
और दूसरे स्टेट में सप्लाई करते थे तो सीएसटी लगता था, सेंट्रल सेल्स टैक्स। एक्साइज ड्यूटी लगती थी मैन्युफैक्चरिंग पे। कस्टम कब लगती थी? जब आप इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते थे, इंपोर्ट ऑब्लिक एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स करते थे तो कस्टम लगता था। और सर्विस कब लगता था? अगर आप कोई भी सर्विस देते थे, अच्छा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस करते थे तो भी सर्विस टैक्स लगता था, समझ रहे हो? अगर सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो भी सर्विस टैक्स लगता था, लेकिन गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो कस्टम लगता था। तो आज की डेट में आप देख लो कस्टम है, कस्टम किस पे लगता है? सिर्फ और सिर्फ गुड्स पे। अगर आप गुड्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तो ही कस्टम लगता है। अगर आप सर्विस इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हो तब उस पर जीएसटी लगता है, क्योंकि सर्विस टैक्स जीएसटी में मर्ज हो गया है। ठीक है, सर्विस टैक्स क्या हो गया? जीएसटी में मर्ज हो गया है। ठीक है, अच्छा अब समझना मेरी बात कि टैक्स लगाता कौन है। मतलब हम टैक्स दे क्यों रहे? तुम लोगों से कोई 10 रुपए ना ले, है ना? तुमसे कोई 10 रुपए मांगे तुम लोग 10 रुपए ना दो, तो गवर्नमेंट तुमसे टैक्स मांग रही है, तुम दे भी रहे हो। तो ये गवर्नमेंट के पास पावर कहाँ से है टैक्स मांगने की? कल को तो मान लो मैं भी किससे ऐसे पैसा मांग लूं, तो कोई दे थोड़ी देगा, तो पावर भी तो आनी चाहिए। अब पावर कौन देता है? तो इस देश में सबसे बड़ी चीज है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। ठीक है, तो पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन हमारा पावर देता है गवर्नमेंट को। ठीक है, तो भाई सेंट अब तो कॉन्स्टिट्यूशन बताता है गवर्नमेंट को। जीएसटी से पहले की बात चल रहे हैं, अभी अपन जीएसटी पे आए नहीं, अब अपन जीएसटी से पहले चल रहे हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है कि भाई कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, कौन सा टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। क्योंकि जीएसटी आने से पहले क्या हो रहा था कि कुछ टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, कुछ टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स हो गया, वो सेंट्रल के टैक्सेस थे। वैट वगैरह जो थे वो स्टेट के टैक्सेस थे। अपन पूरी की पूरी लिस्ट देखेंगे। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल है, आर्टिकल 246। क्या नाम है? ये एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो आप बिल्कुल भी इसको ये मत समझना कि एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, लेकिन बस सुन लो मेरी बात ध्यान से आज। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक आर्टिकल है, आर्टिकल 246। आर्टिकल्स के अंदर शेड्यूल होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल 246 शेड्यूल 7, उसके अंदर तीन लिस्ट दे रखी है। बेसिकली तीन लिस्ट क्या बोलती है आपको? एक है आपकी लिस्ट वन, इसको बोलते हैं यूनियन लिस्ट, इसका नाम क्या है? लिस्ट वन। दूसरी क्या है? लिस्ट टू, जिसको बोलते हैं स्टेट लिस्ट। और तीसरी है लिस्ट थ्री, जिसको अपन बोलते हैं कॉनकरेंट लिस्ट। ठीक है, अब लिस्ट वन में वो आइटम है कि जिन, अब सुनना मेरी बात, देखो मैंने आपको क्या बोला कि टैक्स लगाने की पावर कौन देता है? कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं आर्टिकल्स। ठीक है, अब आर्टिकल 246 में तीन लिस्ट दे रखी है, जिसमें ऐसा बोला एक लिस्ट है यूनियन लिस्ट। यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप टैक्स लगाओ, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को पावर देती है कि आप टैक्स लगाओ, और कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या है कि कुछ ऐसे मैटर जहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलके टैक्स लगाएंगे उसको अपन बोलते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है, अब जैसे मान लो यूनियन लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है, बहुत सारी एंट्री लिखी हुई है। जैसे एंट्री नंबर 82, इनकम टैक्स एक्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है इनकम टैक्स। यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 ने पावर दे रखी है गवर्नमेंट को कि आप इनकम टैक्स लगाओ। ठीक है, स्टेट लिस्ट के अंदर जैसे सेल्स टैक्स है ना, स्टैंप ड्यूटी। आपने अगर कभी भी प्रॉपर्टी का खरीदना बेचने का काम होता है तो स्टैंप ड्यूटी लगती है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, पैसा जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाता है स्टैंप ड्यूटी का पैसा। ठीक है, तो प्रॉपर्टी पे लगता है, क्योंकि प्रॉपर्टी पे अभी ऑल दो हम जीएसटी से पहले चल रहे हैं, अभी जीएसटी आए नहीं आप ये मान के चलो। ठीक है, ऑल दो स्टैंप ड्यूटी तो आज भी स्टेट गवर्नमेंट को मिलती है, क्योंकि स्टैंप लैंड एंड बिल्डिंग पे जीएसटी नहीं लगता, वो अपन फर्दर क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, तो अभी अपन जीएसटी से पहले चल रहे हैं, मानो ही मत, अभी जीएसटी पे अपन 1 घंटे बाद आएंगे, अभी तो अपन फ्लैशबैक में चल रहे हैं। ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर क्या होता है कि ऐसे आइटम जिसपे सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे, लेकिन एज ऑफ नाउ ऐसा कोई मैटर नहीं है जहां पे कॉन्करेंट लिस्ट में अभी कोई टैक्स दे नहीं रखा। ठीक है, बट गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर सेंट्रल और स्टेट दोनों मिलकर टैक्स लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब जीएसटी से पहले क्या होता था कि भाई हर स्टेट अपना अपना टैक्स लगाता था। हर स्टेट क्या होता था, फॉर एग्जाम्पल मैं कोई सामान बेच रहा हूँ, राजस्थान में बेच रहा हूँ, तो राजस्थान में राजस्थान की गवर्नमेंट ने सामान पे इतना टैक्स लगा रखा है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट इतना टैक्स लगा रखा है। इससे पता है दिक्कत भी क्या होती थी कि बहुत सारे लोग जो लेट सपोज इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ठीक है, बहुत सारे फॉरेनर्स लोग हैं जो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनको समझ ही नहीं आता, बोले यार एक देश है किसी किसी स्टेट में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, किसी में कम हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द टैक्सेस। कोई स्टेट ज्यादा टैक्स ले रहा है, कोई स्टेट कम टैक्स ले रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कहाँ इन्वेस्ट करें, तो बोल रहे यार देश ही अजीब है, छोड़ो यहाँ पे तो इन्वेस्ट ही नहीं करते हैं, किसी दूसरी जगह चलते हैं जहां पे, समझ ही नहीं आ रहा। हर स्टेट का बंदा देखे जा रहा है, किसी स्टेट में कुछ टैक्स, किसी स्टेट में कुछ टैक्स, और मान लो बंदा बिजनेस भी कर ले तो भी गवर्नमेंट एक अलग से टैक्स निकाल के लिए आती है हिडन, जो उसको पता ही नहीं था। ठीक है, तो फिर वो कंसल्टेंसी लेता है, पहले सीए से लेता है, कहाँ से लेता है, तो वो इससे क्या बड़ा दिक्कत हो रही थी। ट्रेड
ट्रेड को भी बड़ा इंपैक्ट हो रहा था, तो इसलिए जीएसटी से ये फायदा हुआ एक तो, ठीक है। तो अब क्या होता था कि पहले हर स्टेट में अपने अपने रेट चलते थे, स्पेशली मतलब छोटे मोटे आइटम तो ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन जैसे कार हो गई, गाड़ी हो गई, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ जाता था। क्योंकि लोग सोचते थे, जैसे मान लो मैं राजस्थान में रहता हूँ, मैं सोचता था यार हरियाणा में गाड़ी मिल रही है तो हरियाणा से खरीद लाता हूँ, हरियाणा में सस्ती मिल रही है 10,000 रुपए तो, ठीक है। तो ये होता था। अब चलता था सेल्स टैक्स, ठीक है। अब सेल्स टैक्स के अंदर क्या था, ध्यान से सुनना, सेल्स टैक्स का मतलब क्या है। सेल्स टैक्स के अंदर दो चीजें आ गई, तो आ गया आपका वैट और एक आ गया आपका सीएसटी। इसका नाम सेल्स टैक्स ही क्यों रखा, क्योंकि सेल्स पे लगता है, जहां जहां सेल्स होगी वहां वहां सेल्स टैक्स लग जाएगा। मैं आपको हर चीज का मतलब बताऊंगा, जैसे जीएसटी का नाम जीएसटी क्यों रखा, ठीक है, हर चैप्टर का नाम यही क्यों रखा। तो सेल्स टैक्स का नाम सेल्स टैक्स ही क्यों रखा, क्योंकि ये सेल्स पे लगेगा, इसका एक ही मोटो था, जहां जहां सेल्स होगी वहां टैक्स लगा देंगे सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स के दो पार्ट थे, एक होता है वैट, एक होता है सीएसटी। वैट मतलब वैल्यू एडेड टैक्स। इन्होंने क्या बोला कि अगर आप सेम स्टेट के अंदर सप्लाई करोगे, सेम स्टेट के अंदर अगर आप सप्लाई करोगे, इंटर स्टेट सप्लाई करोगे, और इंटर स्टेट मतलब डिफरेंट स्टेट, जैसे कैसे याद कैसे रखो, जैसे अपने स्कूल में बोलते थे ना इंटर स्कूल डिबेट कॉम्पिटिशन, मतलब दो स्कूल के बीच में डिबेट कॉम्पिटिशन, इंटर स्टेट को मतलब दो स्टेट और इंटर स्टेट मतलब सेम स्टेट, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर आप सेम स्टेट में सप्लाई करोगे तो वैट लगता था, और दूसरे स्टेट में सप्लाई करोगे तो सीएसटी लगता था, ठीक है। अब वैट क्यों आया, वैट क्यों आया, वैट आया 2005 में, ठीक है, वैट आया था 2005 में। वैट क्यों आया, वैट से पहले क्या चलता था, अब ध्यान से सुनना मेरी बात, बिफोर वैट क्या होता था, बिफोर वैट, अब सभी लोग एकदम कॉन्सेंट्रेटेड हो गए, कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनो, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा आपको बैकग्राउंड समझ में आ जाएगा, पूरी हिस्ट्री समझ में आ जाएगी जीएसटी की। बिफोर वैट क्या सीन था, बिफोर वैट जैसे मान के चलते हैं एक चेन बनाते हैं, एक है मैन्युफैक्चरर आपका, यहां पे कॉन्सेंट्रेशन पूरा देना थोड़ा सा, एक है आपका होलसेलर, एक है आपका रिटेलर, और फाइनल में आपका कंज्यूमर। अच्छा, किसी को पता है कंज्यूमर और कस्टमर में फर्क क्या होता है, कस्टमर और कंज्यूमर में फर्क क्या होता है। कस्टमर मतलब जो सामान खरीदने वाला है, कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है एंड में। तो होलसेलर भी कस्टमर हो सकता है, रिटेलर भी कस्टमर हो सकता है ना। तो कंज्यूमर कस्टमर तो है, पर ये लोग कंज्यूमर नहीं है, ठीक है। अब मान के चलते हैं कि मैन्युफैक्चरर है जो सामान बनाता है, इसने कोई सामान खरीदा नहीं, परचेज प्राइस मतलब, ठीक है, वो निल थी, फिर इसने अपना रॉ, मैन्युफैक्चरर तो खुद से बनाएगा ना, तो इसने रॉ मटेरियल लगाया, रॉ मटेरियल लगाया लेट्स सपोज 1000 रुपीज का, लेबर लगाई इसने, ये बेसिक कॉस्ट शीट है, मतलब 130 रुपीज की, मान के चलते ओवरहेड लगाए 120 रुपीज के, और मान के चलो इसका जो प्रॉफिट है वो आ रहा है इसका 250 रुपीज का, इसने अपना प्रॉफिट अर्न करा है, ठीक है। और बेसिक सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई कि ये मैंने ऐसे रेंडमली फिगर लिख लिए 1500 रुपीज की बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई, और मान के चलो सेल्स टैक्स लगा इस पे। ये होता था वैट से पहले, 2004 से पहले, अभी हम 2004 से पहले आ गए, ठीक है। मैं पूरी की पूरी चेन समझा दूंगा, वैट से पहले क्या होता था, वैट में क्या होता था, फिर जीएसटी क्यों आया, ठीक है। तो जब से इंडिया आजाद हुआ और आज तक, ऐसा पूरा पूरा बैकग्राउंड समझा दूंगा, और फिर उसके बाद जीएसटी पढ़ने में अलग ही टेस्ट आएगा, क्योंकि कई जगह ऐसा होगा आपको कि आपको समझ नहीं आ रहा पेपर में क्या करना चाहिए, लेकिन आपके लॉजिक्स इतने स्ट्रांग होंगे तो आप खुद ही समझ जाओगे कि अगर मैं लॉ मेकर होता तो मैं क्या करता, ठीक है। अब मान के चलो सेल्स टैक्स 12% की रेट से लग रहा है, ठीक है, 180 रुपीज लग गया आपका सेल्स टैक्स, टोटल सेलिंग प्राइस कितनी आ गई, 1680 आपकी आ गई टोटल सेलिंग प्राइस, ठीक है। अब होलसेलर क्या करता था, इसको 1680 में खरीद लेता था, मान के चलो होलसेलर है तो उसने रॉ मटेरियल या लेबर तो लगाई नहीं होगी, थोड़े बहुत ओवरहेड्स तो लगे जाते हैं, ओवरहेड मतलब छोटे मोटे खर्चे है ना, लोडिंग अनलोडिंग वगैरह के, 120 रुपीज के इसके लग गए, और इसका भी प्रॉफिट है मान लो 250 रुपीज का, तो ये कितना हो गया इसका, ये हो गया इसका 2050, इसकी क्या हो गई, बेसिक सेलिंग प्राइस हो गई, और टैक्स लगा इस पर 12%, 12% इसका आ गया 246 रुपीज, 246 ही ना, 246 रुपीज का ये आ गया, ठीक है। और टोटल सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 2296। अब होलसेलर रिटेलर को दे रहा है 2296 में, ठीक है,
रिटेलर ने भी रॉ मेटेरियल लेबर तो मान के चलो नहीं लगाए, ओवरहेड लगाए इसने 70 रुपीज के, 150 रुपीज का ये लगाया, ये कितना हो गया 2516 का ये हो गया। और उसके बाद सेल्स टैक्स लगाया इस पे 12%, जो कि आ गया 301.92 और टोटल आ गया आपका 2817.92। और अल्टीमेटली कंज्यूमर को फिर 2817.92 का बेचा, ये वैट से पहले होता था। अब अगर आप सभी लोगों का एक तरफ में, एक को देखो मेरे को देखो ठीक है, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन, अब आप समझना क्या हो रहा है इसके अंदर। ये जो 1500 रुपए हैं और इस पे 180 रुपीज का टैक्स लगा, एज इट इज आपने प्राइस यहां पे डाल दी 1680 ठीक है। अब क्या हो रहा है, फिर इस बंदे ने अपने इनपुट डाले और उसी अमाउंट पे, टोटल अमाउंट पे वापस से टैक्स लग गया। तब देखा जाए, देखो अब ध्यान से सुनना, ये जो 2050 कैसे आया, 2050 कैसे आया, 2050 ऐसे आया कि आपका एक तो 1500 रुपए जो पहले प्रीवियस उसमें चल रहा है, प्रीवियस साइकिल में, जैसे मैन्युफैक्चरर ने 1500 रुपए लगा दिए थे, पर ये वाला 2050 कैसे आया, मैं आपको ये बता रहा हूं। ये जो 2050 कैसे आया, एक तो इसमें 1500 रुपीज जुड़ा हुआ है, दूसरा इसमें 180 रुपीज का टैक्स है प्रीवियस लेवल पे, तीसरा इसके वैल्यू एडिशन थे, ये होलसेलर के वैल्यू एडिशन थे, कितने के थे, 370 रुपीज के होलसेलर के वैल्यू एडिशन थे, इसलिए ये आया 2050। और आपने क्या करा, इस 2050 पे वापस से टैक्स लगा दिया 12% की रेट से। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो टैक्स लगा था ना 180 रुपीज का, इस पे इनडायरेक्टली वापस से टैक्स लग गया। और दूसरी बात ये जो सामान था ना, ये जो 1500 रुपए थे 1500 रुपीज, इस पे भी तो वापस से टैक्स लग गया। टैक्स ऑन टैक्स तो हुआ ही, पर डबल टैक्सेशन भी तो हो गया। डबल टैक्सेशन कैसे, कि इसी सामान पे वापस से टैक्स दे दिया आपने और इसी टैक्स पे वापस से टैक्स दे दिया, तो ये तो पूरे के पूरे पे वापस से टैक्स लग गया। आर यू गाइस गेटिंग इट? तो डबल टैक्सेशन भी हो गया और टैक्स ऑन टैक्स भी हो गया, दो चीजें होगी इसमें। तो डबल टैक्सेशन कैसे हुआ, इसी सामान पे इधर भी टैक्स लगा फिर वापस से टैक्स लग गया, क्योंकि 1680 में तो ये भी इंक्लूडेड है। और टैक्स ऑन टैक्स कैसे हुआ कि 180 पे भी वापस से टैक्स लग गया। इतना समझ में आया क्या कि दो इवेंट हो गए, डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स, ठीक है। सेम लेवल पे क्या हुआ, फिर होलसेलर रिटेलर को बेच रहा है तो फिर वापस से टैक्स लग रहा है इसी सामान पे, तो अब तीन बार टैक्स हो गया। तीन बार डबल टैक्सेशन और तीन बार टैक्स ऑन टैक्स। डबल टैक्सेशन तो इस वाले सामान पे, देखो रॉ मेटेरियल लेबर ओवरहेड जो है ना, उस पे वापस से, फिर वापस से, फिर वापस से, हर स्टेप पे लगता जा रहा है, उसको तो बोल रहे हैं डबल टैक्सेशन। और टैक्स ऑन टैक्स कि भाई ये जो टैक्स का अमाउंट है ना, यही एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया, फिर यही एज इट इज आगे कैरी फॉरवर्ड हो गया। तो दो दो चीजें होती जा रही है, डबल टैक्सेशन भी होता जा रहा है और टैक्स ऑन टैक्स भी होता जा रहा है। ये दो मेजर सीरियस इश्यूज थे। अब आप सोचो, एक ही प्रोडक्ट पे जितने स्टेप में सामान बिक रहा है उतनी बार टैक्स, मतलब 1500 रुपए पे तीन बार टैक्स, फिर हर स्टेप पे वैल्यू एडेड हो रही है उस पर भी टैक्स, और फिर जो टैक्स लगाया है टैक्स ऑन टैक्स उस पर भी टैक्स, कितना सामान महंगा हो गया, मतलब बिल्कुल ही काट रहे हैं, मतलब है कि नहीं। एक सामान मतलब सरकार के पास कितना पैसा जा रहा है भैया, इससे पता दिक्कत क्या हो रही थी। अब आप सोचोगे सरकार के तो बढ़िया ही है ना, अरे इन्फ्लेशन कितना बढ़ रहा है, कोई भी सक्सेसफुल गवर्नमेंट ऐसी नहीं मानी जाती कि जहां पे सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन हुआ। पाकिस्तान में देखो कितना इन्फ्लेशन है, तो कोई सक्सेसफुल गवर्नमेंट थोड़ी मानी जाती है, कोई गवर्नमेंट की तो बदनामी है इतना इन्फ्लेशन होना। इंटरनेशनल लेवल पे बेइज्जती होती है, इंडिया की हालत अब सुधरी है, पहले की हालत थी आपको भी पता है, ठीक है। तो भैया ये 2004 से पहले की बात थी, वैट से पहले की, तो इट वॉज द नीड ऑफ द आर कि भैया अब कुछ करा जाए, टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन दोनों को हटाया जाए। अब आफ्टर वैट क्या हुआ, आफ्टर वैट क्या हुआ, ध्यान से सुनना मेरी बात। वैट बेसिकली है क्या, अब आप देखोगे ना कि टैक्सेशन सिस्टम है। बिफोर वैट क्या होता था कि टैक्स ऐसे लगता था, आफ्टर वैट क्या हो गया कि अब टैक्स ऐसे लगेगा। तो एक सिस्टम बता रहा है आपको कि अब टैक्स कैसे लगाना है। वैट कोई टैक्स थोड़ी है, वैट कोई टैक्स थोड़ी है, तो सिस्टम है। जीएसटी क्या है, अपन जीएसटी टैक्स बोलते हैं, पर जीएसटी भी एक सिस्टम है टैक्स लगाने का। सिस्टम कैसे, आप देखना मेरी बात समझना। आफ्टर वैट क्या हुआ, अब आफ्टर वैट मान के चलो उसी एग्जाम्पल को वापस से ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलो ये मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, ये होलसेलर है,
कि रिटेलर है, वैट के बाद ही दोनों प्रॉब्लम खत्म हो गई, डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स कैसे खत्म हुई देखो, और ये कंज्यूमर है, चार लेवल हो गए। फॉर एग्जाम्पल परचेज प्राइस तो यहाँ पे निल थी, ठीक है, रॉ मेटेरियल लेबर ओवरहेड प्रॉफिट सब मिला के बेसिक सेलिंग प्राइस कितनी थी, बेसिक सेलिंग प्राइस थी इसकी 1500 रुपीज, ठीक है, और फिर टैक्स लगा था 180 रुपीज का, और प्राइस कितनी गई थी 1680 की। अब गवर्नमेंट पता है क्या बोल रही है, एक एक इशू को पकड़ते हैं। पहला इशू क्या था, टैक्स ऑन टैक्स, तो गवर्नमेंट बोल रही है टैक्स ऑन टैक्स तो लगेगा ही नहीं अगर आप इस 180 को आगे कैरी फॉरवर्ड ना करके डायरेक्टली यहाँ पे होलसेलर की परचेज प्राइस में 1500 रुपए लिखो, 1680 मत लिखो, क्योंकि 1680 लिखोगे तो फिर वापस से टैक्स लग जाएगा। तो अब गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप एक काम करो, ये जो टैक्स वाला कंपोनेंट है ना ये मत लिखो, डायरेक्टली बेसिक सेलिंग प्राइस ही वहां पे लिखो। तो होलसेलर ने खरीदा ना सामान 1680 में, तो होलसेलर को क्या बोला कि भैया तू 1680 ना लिखते हुए, एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक भी कर देना है ना, 1680 ना लिखते हुए तू लिख डायरेक्टली 1500 लिख। अब तेरा वैल्यू एडिशन कितना है, इसका वैल्यू एडिशन कितना था, 120 और 250, मतलब मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 370 रुपीज का वैल्यू एडिशन था, 370 रुपीज है ना, 370 रुपीज का क्या था, वैल्यू एडिशन था, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, 1870 हो गया, ठीक है, 1870 हो गया। अब इस 1870 पे क्या लगेगा, टैक्स लगेगा। अब आप एक बात ध्यान से सुनना, लेकिन दूसरा इशू तो अभी भी है डबल टैक्सेशन वाला, कैसे, क्योंकि ये जो 1500 रुपए वाला अमाउंट था ना, देखा जाए तो अब इस पे वापस से टैक्स लग रहा है, अगर 1870 पे मैं टैक्स लगा दूंगा तो भाई टैक्स ऑन टैक्स तो रिजोल्व हो गया, लेकिन डबल टैक्सेशन तो रिजोल्व ही नहीं हुआ। इनडायरेक्टली देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 370 पे टैक्स लगना चाहिए जितनी वैल्यू एडिशन हुई। वैल्यू एडिशन टैक्स का मतलब क्या हुआ, नाम ही देखो वैल्यू एडिशन टैक्स, कि जितनी वैल्यू बढ़ी उसी पे टैक्स लगाओ, नाम ही यही है वैल्यू एडिशन टैक्स। जितनी आपने हर स्टेप पे जितनी भी वैल्यू बढ़ाई ना उस पर टैक्स लगा दो। देखो क्या है, गवर्नमेंट कह रही टैक्स लगाओ, लेकिन रिपीट मत लगाओ, डबल टैक्सेशन मत लगाओ, समझ रहे मेरी बात। अब जैसे 1500 रुपए में वापस से टैक्स लगा दूंगा, 1870 रुपए अगर मैं टैक्स लगा दूं तो इसमें से 1500 में वापस भी तो टैक्स लग गया, वो तो प्रीवियस स्टेप पे लगा दिया था। तो गवर्नमेंट का क्या टारगेट है कि एक ही बार टैक्स लगाओ बस, बार बार मत लगाओ। तो अब क्या हुआ, इनडायरेक्टली टैक्स लगना चाहिए 370 रुपीज पे। तो क्या मैं अब बिल ऐसे बनाऊं कि आप समझना मेरी बात, मान के चलो आप मैन्युफैक्चरर हो, ठीक है, मान के चलो जैसे हमारी क्लास में जीतू, जीतू मैन्युफैक्चरर है और मैं होलसेलर हूं, ठीक है, और मैं जीतू के पास गया, मैंने कहा जीतू भैया सामान दे दो। जीतू भैया क्या करेंगे, जीतू भैया क्या ऐसे लिखेंगे क्या कि देखो भैया बिल मेरी वैल्यू एडिशन है 370 रुपए, इस पर टैक्स लगा दूंगा। कोई भी सप्लायर अपना मार्जिन बताएगा क्या, मान के चलो आप मेरे पास आए और मैं आपको बिल दूं, मान के चलो मैं 8500 रुपीज में आपको क्लास बेच रहा हूं और मान लो पर स्टूडेंट मेरा खर्चा 3000 रुपए का आ रहा है और मैं आपको दे रहा हूं कि 5500, हम बात करें वैट के अंदर की, मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो भैया ऑल दो सर्विस टैक्स लगता है, लेकिन समझना एग्जांपल को, मैं आपको बोल रहा हूं कि देखो भैया 5500 रुपए का है ना, इस पर टैक्स दो वैल्यू एडिशन। आप नेगोशिएशन करने लग जाओगे, आप है ना, आप मेरी इनकम कैलकुलेट करने लग जाओगे, आप सोचोगे इंसान तो अमीर है, आप बोलोगे इस इंसान, आप अगर अगर अभी कोई भी सप्लायर अपना मार्जिन बता देगा तो आप नेगोशिएट नहीं करने लग जाओगे क्या, कौन सप्लायर बताएगा, नहीं बताएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ऐसा हुआ क्या करें फिर, तो गवर्नमेंट ने ऐसा बोला एक काम करो, तुम अभी टैक्स तो पूरे पे ले लो 1870 पे, है ना, फिर जो तुम 1500 पे टैक्स दिए ना उसकी क्रेडिट ले लो। लेट्स सपोज तुमने 1500 पे टैक्स कितना दिया, 180 रुपीज, ठीक है, 180 रुपीज का तुमने टैक्स दिया 1500 पे, और आगे कितना कलेक्ट किया तुमने, अभी जो तुम 1870 पे ले लो, ठीक है, लेट्स सपोज तुम्हारी टैक्स रेट कितनी थी, 12%, अपने एग्जांपल में ध्यान से सुनना, इधर उधर कहाँ ध्यान है तुम्हारा, 1870 पे गवर्नमेंट ने बोला 12% टैक्स कलेक्ट कर लो, कितना आया 1870 का 12%, 224.4, ठीक है। तो हम बोल रहे हैं कि सर ये तो डबल टैक्स हो गया, बोले सुनो तो सही, बोले अब जो 1500 पे तुम टैक्स पिछले जो दे के आए थे ना, होलसेलर की बात कर रहे हैं अपन, होलसेलर ने मैन्युफैक्चरर को 180 का टैक्स दिया था और रिटेलर से इसने टैक्स कलेक्ट किया है कितना, 224.4, रिटेलर को आगे सामान बेचा है तो टैक्स कलेक्ट करेगा, और मैन्युफैक्चरर से खरीद के आया था तो टैक्स दे के आया था। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला इस होलसेलर को, देख भाई तू 224.4 तो कलेक्ट कर लिया तूने रिटेलर से, वो कैसे आया 1870 का 12%, और तू देके कितना आया था मैन्युफैक्चरर को, बोले 180। तो बोले इसकी तेरे को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट दे देंगे, कैशबैक दे देंगे, ऐसे मान लो कैशबैक, ठीक है। तो ये कितना आया 224 माइनस 180, तो ये आ गया आपका 44.4। अगर आप देखोगे ना
370 का 12%, तो यही आएगा मेरे ख्याल से, मेरे ख्याल से क्या 100% यही आएगा, 370 का 12% 44.4, क्योंकि वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगा। क्यों लगा वैल्यू एडिशन पे टैक्स? आपने 1870 पे टैक्स दिया और पुरानी क्रेडिट ले ली, तो इससे दोनों पर्पज सॉल्व हो गए। अब सप्लायर को अपना मार्जिन भी नहीं बताना पड़ा, वरना अगर खाली सप्लायर वैल्यू एडिशन पे टैक्स लेगा तो बिल में दिखेगा, तो अब टैक्स तो पूरे पे ले रहे हैं बट पीछे क्रेडिट मिल रही है। आर यू गाइस गेटिंग इट और नॉट? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? थोड़ा बहुत ठीक है। यही कॉन्सेप्ट आईटीसी का कॉन्सेप्ट होता है पूरा का पूरा। तो वैट क्या है? बेसिकली सिस्टम है, सिस्टम ही तो बनाया है, क्रेडिट देना, कैसे अब टैक्स लगाना, ऐसा सिस्टम जिससे डबल टैक्स भी ना लगे और टैक्स ऑन टैक्स भी ना लगे। वैट क्या है? बेसिकली सिस्टम है, हम इसको टैक्स बोलते हैं, टैक्स थोड़ी है। जीएसटी भी सिस्टम है, टैक्स थोड़ी है। टैक्स लगाने का अलग अलग तरीका, टैक्स तो टैक्स कोई टैक्स का कोई नाम थोड़ी होता है, जीएसटी को टैक्स नहीं है पर हम बोलते हैं। बेसिकली एक सिस्टम बना दिया कि इसके थ्रू ऐसे टैक्स लगाया जाएगा बस। ठीक है, इतना समझ में आया आपको यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि वैट से पहले क्या कांड हो रहे थे। दो कांड हो रहे थे, डबल टैक्सेशन लग रहा था और टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, जो यहाँ पे आके आफ्टर वैट में दोनों कांड दोनों चीजें हट गई। कैसे? एक तो डबल टैक्सेशन, तो टैक्स ऑन टैक्स तो ऐसे हट गया कि आपने 180 को आगे कैरी फॉरवर्ड ना करते हुए सिर्फ 1500 कैरी फॉरवर्ड किया, और डबल टैक्सेशन कैसे हट गया कि आपको क्रेडिट मिल गई। अब तो अब सामान इससे क्या हो गया? सस्ता हो गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे जब वैट इतना ही बढ़िया चल रहा था तो जीएसटी काहे लाए? बढ़िया ही तो चल रहा है सब, 2004 में वैट आ गया था, जीएसटी क्यों लाए? सुनते चलो, पूरी पिक्चर समझो, बैकग्राउंड सब समझ में आएगा आपको, जीएसटी क्यों लाए। ठीक है चलो, प्रीवियस बैच वाले स्टूडेंट्स काफी आ रहे हैं आज, वो क्या बॉन्ड ऐसा बन गया था उन लोगों से। तो वैट क्या हुआ? वैट से वैल्यू एडिशन भी लगता है डायरेक्टली, आप समझ ही गए। वैल्यू एडिशन तो लगा टैक्स 370 पे, ऐसे हर स्टेप पे वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है वैट। वैल्यू एडिशन पे कैसे? क्योंकि क्रेडिट मिलती जाती है इसलिए नेट वैल्यू एडिशन पे लगेगा। सेम कॉन्सेप्ट आईटीसी का। ठीक है, फ्रांस है ना, फर्स्ट कंट्री था जो सबसे पहले वैट लेके आया था 1954 में। 1954 के अंदर फ्रांस फर्स्ट कंट्री था जो क्या लेके आया था, आपका वैट लेके आया था। हमारे यहाँ पे वैट लगा था 2005 में। अब सुनना मेरी बात, जो वैट का टैक्स था ना, वैट का वो मैंने आपको अभी बताया था, लिस्ट टू के अंदर था, स्टेट लिस्ट के अंदर था। इसका मतलब हर स्टेट की अपनी अपनी इच्छा है कब लगाना है कब नहीं लगाना। ऐसा कोई रूल नहीं आ सकता कि पूरे इंडिया पे वैट अब से लगेगा, क्योंकि मैंने खुद ही बोला आपको कि वैट तो लिस्ट टू के अंदर था। इसमें जो हरियाणा था ना, हरियाणा हरियाणा ने सबसे हरियाणा काम का नहीं है, मैं आपको शुरू में बोल दिया आज का लेक्चर 1 घंटे का शुरू का कोई काम का नहीं है, बट सुनना मेरी बात। हरियाणा में 2003 में ही वैट लग गया था और बाकी इंडिया ने 2005 में अडॉप्ट किया था वैट, सबसे लेट यूपी ने किया था, क्योंकि हर स्टेट की अपनी अपनी इच्छा थी कब किसको लाना है कब किसको नहीं लाना। तो हरियाणा सबसे पहला था, यूपी सबसे लास्ट था, और फ्रांस कंट्री 1954 से वैट वाला सिस्टम फॉलो करता आ रहा है। ठीक है चलो, अच्छा एक बात और, ये वैट चल रहा था जब बढ़िया काम वैट से, तो सीएसटी क्यों आया? सेंट्रल सेल्स टैक्स। ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात। नाइनटीन फिफ्टी सिक्स की बात चल रही है, ठीक है। 1956 में क्या हुआ कि सपोज करो कोई बंदा है जिसने जिसने मान लो जयपुर से गुड्स बेचे अजमेर में, जयपुर से गुड्स बेचे अजमेर में। अब वैट से पहले क्या चलता था? सेल्स टैक्स चलता था कि नहीं चलता था? वैट भी तो सेल्स टैक्स का पार्टी है क्या? सेल्स टैक्स का मतलब क्या? सेल पे टैक्स लगना। वैट भी सेल पे लगता था, वैट भी सेल पे लगता था, जीएसटी सेल पे नहीं लगता, जीएसटी सप्लाई पे लगता है। सप्लाई क्या होता है उस पर अलग से सप्लाई चैप्टर है पूरा, सप्लाई क्या होता है उस पर सप्लाई चैप्टर है पूरा। तो सेल्स टैक्स जो है ना वो सेल पे लगता था,
अब जयपुर से मैंने सामान दिया अजमेर, सेम स्टेट हो गए, दोनों राजस्थान के अंदर है ना, जयपुर भी राजस्थान में, अजमेर भी राजस्थान में, तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को मिल जाता। सेल्स टैक्स पता है किस पे लगता था? सेल पे, सेल्स टैक्स मतलब सेल पे, ठीक है, क्लियर है। सपोज करो सामान मैंने जयपुर से दिल्ली भेजा, दिल्ली सेल किया, तो राजस्थान की गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी, क्योंकि बोलती थी सेल तो हमारे यहाँ हुई है, क्योंकि कौन से इवेंट पे टैक्स लग रहा है? सेल पे, सेल पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। तो अगर सामान जयपुर से दिल्ली भेजा तो सेल कहां पे हुई? जयपुर में, तो टैक्स लगता था राजस्थान में। अब 1956 में क्या हुआ, 1956 में ऐसा हुआ कि दिल्ली से सामान भेजा था महाराष्ट्र, ठीक है, तो दिल्ली गवर्नमेंट बोली कि हम लगाएंगे टैक्स, दिल्ली गवर्नमेंट बोली हम लगाएंगे टैक्स, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोली अब हम भी लगाएंगे टैक्स, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोली अब हम भी लगाएंगे टैक्स। अब कंज्यूमर है एक, मान के चलो आप हो, जैसे मान लो अनुज है हमारे इनबॉक्स में, अनुज है, अब अनुज को मैं बोलूं कि भाई तू दिल्ली वाली गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दे और महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी टैक्स दे दे, तो अनुज बोलेगा नहीं क्या कि किस किस को दूं मैं, मतलब किस किस को टैक्स दूं मैं, है भाई, सही बात है, एक ही जना दो दो गवर्नमेंट को टैक्स क्यों देगा? अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास पावर कहां से है टैक्स लगाने की? तो ऑल दो मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन खोल के नहीं दिखाऊंगा, बट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो लिस्ट 2 है ना, वहां पे लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सेल या परचेज पे टैक्स लगा सकती है, ऐसा वर्ड लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट सेल या परचेज पे टैक्स लगा सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ऐसा लिखा हुआ है कि सेल या परचेज पे गवर्नमेंट टैक्स लगा सकती है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है लिस्ट 2 में। तो मैटर गया अपील्स के थ्रू होते 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 सुप्रीम कोर्ट में गया, मैटर क्या हुआ कि भाई दिल्ली गवर्नमेंट बोल रही है हम तो टैक्स लगाएंगे, क्योंकि हम तो बरसों से लगाते आ रहे हैं, क्योंकि सेल्स टैक्स तो सेल्स पे लगता है, सेल्स टैक्स तो लगता ही सेल्स पे है, तो दिल्ली गवर्नमेंट तो बोली हम तो लेंगे, महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोल रही है कि हम भी लगाएंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि आप सेल या परचेज किसी पे भी लगा सकते हो। और सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है? सुप्रीम कोर्ट तो लॉ को फॉलो करता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सुप्रीम कोर्ट उसी को तो फॉलो करता है, कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ ही तो लेता है सुप्रीम कोर्ट, जज भी, जज बनता है ना, तो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान की कसम खाता है, वो भी प्रेसिडेंट भी संविधान की कसम खाता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था कि कोई भी स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो सेल या परचेज पर टैक्स लगा सकती है, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हाँ भैया महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी टैक्स लगा सकती है। पहले बढ़िया चल रहा था सेल्स टैक्स, सिंपल सा चल रहा था, पहले क्या चल रहा था सुनना मेरी बात, खाली एक वर्ड यूज होता था सेल्स टैक्स कि भाई, और कोई कोई वैट सीएसटी जैसा कॉन्सेप्ट नहीं था, सेल्स टैक्स ऐसा सिंपल चलता था, सेल्स टैक्स जहां से जैसी भी सेल हुई सेल पे लगा दिया टैक्स, और जिस भी स्टेट ने सेल करी उसको टैक्स मिल जाता था, ये कॉन्सेप्ट चल रहा था। फिर जब ये लफड़ा हुआ तो फिर वहां पे है ना, वहां पे कॉन्सेप्ट आया सेंट्रल सेल्स टैक्स का। उस टाइम क्या हुआ, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई ये दो स्टेट लड़ रहे हैं ना, जब दो बंदर लड़ रहे हैं तो फिर बिल्ली का आना बीच में जरूरी है ना, सॉरी दो बिल्लियां लड़ रही हैं तो बंदर का आना जरूरी है, वही वाला कॉन्सेप्ट है ये। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि काम करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला आप ये पैसा हमको दे दो, ठीक है, ना दिल्ली गवर्नमेंट को दो ना महाराष्ट्र गवर्नमेंट को दो, तो क्या आप सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा क्या वो पैसा? सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रखेगी नहीं, गवर्नमेंट करेगी क्या, वापस से उसी स्टेट को दे देगी, दिल्ली को दे देगी वापस से, ठीक है, किस लिए, जिससे महाराष्ट्र वाला लड़ाई ना करे। अब गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र वाले को पता क्या बोला कि देख भाई सुन, ये टैक्स हम ही कलेक्ट कर रहे हैं सेंट्रल टैक्स, सेंट्रल सेल टैक्स के नाम से, और हम वापस से उसी स्टेट को जाके दिएंगे जहां ने जिसने सेल करी, मतलब जैसा पहले चल रहा था वही वही हो जाएगा इनडायरेक्टली, बट पैसा अब डायरेक्टली अगर इंटर स्टेट सेल होगी ना तो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी इंस्टेड ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। अब आप समझना जीएसटी क्यों आया, यहां से आप समझ पाओगे, अब आप ध्यान से सुनना मेरी बात बिल्कुल ध्यान से, मैं कुछ केसेस बनाता हूँ, अब पूरा का पूरा फोकस वापस इस तरफ, वैट क्यों आया था तब आपको समझ में आया था, टैक्स ऑन टैक्स और डबल टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने आपको, वैट क्यों आया, ठीक है, क्योंकि दो चीजें हो रही थी, डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स। अब जीएसटी क्यों आया, वैट में ऐसी क्या कमी थी, अब आपको समझ में आएगा। लेट्स सपोज केस नंबर 1, मान के चलना ध्यान से कि मिस्टर एक्स है, ये कहाँ रहता है, ये जयपुर में रहता है, और इसने मिस्टर वाई जो कि अजमेर का है इसको कोई सामान बेचा। मिस्टर एक्स ने जब सामान परचेज किया था ना, लेट्स सपोज मिस्टर एक्स ने पेन परचेज किया था, मिस्टर एक्स ने पेन परचेज किया था 1000 रुपीज में, ठीक है, और मिस्टर एक्स पेन पे वैट दे के आए थे, मान के चलो 10% की रेट थी, 100 रुपीज का वैट दे के आए थे, मतलब 1100 रुपये में परचेज किया था मिस्टर एक्स ने। अब मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को कितने में बेच रहे हैं,
तो देखो वैल्यू कितनी थी, 1000, क्योंकि वैट में टैक्स तो आगे कैरी फॉरवर्ड करते ही नहीं थे ना, वो तो मैंने आपको बता ही दिया था, वैट में टैक्स कैरी फॉरवर्ड नहीं करते। हम वैट पे आ गए, वैट पे तो हम चल ही रहे हैं, वैट से जीएसटी पे आ रहे हैं, ठीक है, वैट पे तो बना आ ही गए डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स हटा के, तो अब इस वैट को तो आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे नहीं, क्योंकि वैट का सिस्टम है डबल टैक्सेशन थोड़ी होता है वैट पे, टैक्स ऑन टैक्स तो होता ही नहीं वैट पे, सुनना मेरी बात। तो अब वैल्यू कितनी हो गई, 1000, और मिस्टर एक्स ने अपना प्रॉफिट लिया इस पैन पे, लेस सपोज 500 रुपीज का, टोटल कितना हो गया 1500 रुपीज, और 1500 रुपीज में वैट लगाया कितना, 150 रुपीज। अब इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को कितना टैक्स जमा कराएगा, मिस्टर एक्स बोलेगा कि देखो 150 रुपीज का तो आया मेरे पास, मैंने मिस्टर वाई से कलेक्ट किया, वैट ही कलेक्ट किया, और 100 रुपीज का मेरे पास क्रेडिट पड़ा था, तो नेट 50 रुपीज टैक्स देगा, जो कि वैल्यू एडिशन, देखो इसकी वैल्यू एडिशन कितना था, 500 रुपीज का तो वैल्यू एडिशन था मिस्टर एक्स का, 500 रुपए के प्रॉफिट पे तो बेचा था वाई को, तो इनडायरेक्टली वैल्यू एडिशन पर टैक्स लग गया। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहां तक किसी को, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, सब सब कुछ सॉर्टेड होगा यहां तक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये हो गया केस नंबर वन, केस नंबर वन एकदम सॉर्टेड है। अब केस नंबर टू पे आ जाते हैं, केस नंबर टू क्या बोलता है, केस नंबर टू आपका ऐसा बोलता है कि मान के चलना, सुनना मेरी बात बिल्कुल फोकस इस तरफ, कि मिस्टर एक्स है जो कि जयपुर का है, वैल्यू कितने रुपए में सामान खरीदा था इसने मिस्टर एक्स ने, वही परचेज प्राइस थी मिस्टर एक्स की 1000 रुपीज, पेन, ये पेन 1000 रुपए में परचेज किया था, और उस पर वैट देके आया था, मतलब राजस्थान में किससे खरीदा है मिस्टर एक्स ने, राजस्थान में किससे खरीदा है, तो इसने वैट दिया, लेट्स सपोज 10% का वैट दिया, 100 रुपीज वैट दिया, 1100 रुपीज पे करके आया था मिस्टर एक्स, किसको बेचा, मिस्टर वाई को जो कि दिल्ली का है, ठीक है, कितने में बेचा, वैल्यू 1000 रुपीज थी, अपना प्रॉफिट 500 रुपीज था, 1500 रुपीज। अब वैट लगेगा या सीएसटी लगेगा, सेंट्रल सेल टैक्स, इंटरस्टेट सेल है तो सीएसटी लगेगा, सीएसटी लगा दिया 150 रुपीज का। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, ये जो सीएसटी कलेक्ट किया होगा वो किसने किया होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया होगा, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट देगी किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट देगी किसको, जो सेलिंग स्टेट है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट उठा के राजस्थान को दे देगी, दे देगी भी, दे देगी पैसा, तो पहले जो वैट मिला था वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को मिला था, और अब ये जो सीएसटी मिला है वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को मिलेगा। मैंने आपको बताया था ना कि सीएसटी, सीएसटी में क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, सेलिंग स्टेट को उठा के पैसा दे देती है, कुल मिला के दोनों का दोनों पैसा, दोनों का जो सीएसटी का पैसा भी राजस्थान गवर्नमेंट को मिला, और जो मिस्टर एक्स वैट दे के आया था वो भी राजस्थान गवर्नमेंट को मिला, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास ही दोनों पैसे आए ना, तो राजस्थान गवर्नमेंट क्रेडिट दे देगी, जब सेम स्टेट में पैसा आया तो क्रेडिट देने में कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुल मिला के जो मिस्टर एक्स है ना वो क्या बोलेगा कि देखो 150 रुपीज तो मैंने कलेक्ट किया सीएसटी के फॉर्म में, जो भी आप ही को मिला है, ठीक है, और मैं पीछे वैट की क्रेडिट थी मेरे पास, पीछे वैट की क्रेडिट थी 100 रुपीज की, तो क्या क्रेडिट मिल जाएगी इस बंदे को, हाँ मिल जाएगी, क्योंकि दोनों पैसा राजस्थान गवर्नमेंट को गया है ना, तो राजस्थान गवर्नमेंट को क्या दिक्कत है, राजस्थान गवर्नमेंट क्या दिक्कत है, सिंपल सी बात, देखो गवर्नमेंट तो चाहती है कि आप जितना ज्यादा वैल्यू एडिशन करो उतना बढ़िया है, क्योंकि अगर देखो मिस्टर एक्स ने जब सामान खरीदा था उसी सामान पे गवर्नमेंट को 100 रुपए मिला, लेकिन मिस्टर एक्स ने वैल्यू एडिट करके आगे बेच दिया तो गवर्नमेंट को 150 रुपए मिल गया, कुल मिला के गवर्नमेंट को नेट 150 रुपए मिल गया ना, अगर मान लो मिस्टर एक्स आगे बेचता नहीं तो 100 रुपए मिलता, तो गवर्नमेंट तो चाहती है आप आगे बेचो वैल्यू बढ़ा बढ़ा के, क्योंकि जितने भी वैल्यू बढ़ेगी ना उतना गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा यहां तक, कि मिस्टर एक्स मिस्टर वाई को दिल्ली को सामान बेचा, उस पर लगा सीएसटी, सीएसटी भी राजस्थान गवर्नमेंट को दिया था, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उठा के, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया है सिर्फ, उठा के राजस्थान गवर्नमेंट को दे दिया एज इट इज, ठीक है। तो राजस्थान गवर्नमेंट को 150 रुपए मिले, और 100 रुपीज की वैट की क्रेडिट भी राजस्थान गवर्नमेंट की, मतलब सेम स्टेट में थी, कोई दिक्कत नहीं थी, क्रेडिट मिल गई आराम से। यहां तक अगर क्लियर है तो एक बार सारे जितने भी लर्नर्स है ना लाइव, सब एक बार हेलो बोल दो, हेलो नहीं मतलब बोल दो कि क्लियर, मतलब किसी भी तरीके से बता दो कि हाँ समझ में आ गया आपको। ठीक है आगे बढ़ते हैं, सो दैट मेरे को भी पता रहे ना कि सही चल रहा है ना। हाँ ठीक है जी, केस वन भी क्लियर है, केस टू भी क्लियर है, अब केस थ्री में आते हैं। केस थ्री क्या बोलता है ध्यान से सुनना, केस थ्री
केस थ्री क्या बोलता है, मैं आपको बता रहा हूँ वैट में ऐसी क्या कमी थी। सब तो सही चल रहा था, डबल टैक्सेशन भी हट रहा था, टैक्स ऑन टैक्स भी हट रहा था, तो जीएसटी क्यों आया वो समझा रहा हूँ मैं आपको। केस थ्री के अंदर क्या है कि मिस्टर एक्स है वो कहाँ है, जयपुर का है। वैल्यू कितनी थी, वही 1000। मतलब इसने, मिस्टर एक्स ने सामान परचेज किया 1000 रुपीज का, ये परचेज प्राइस थी मिस्टर एक्स की। मिस्टर एक्स ने परचेज कितने में किया, 1000 में, और इस पर टैक्स कितना दिया था, वैट वैट दिया था इसने 100 रुपीज का, मतलब 1100 रुपीज में परचेज किया था मिस्टर एक्स ने। राजस्थान में किससे किया होगा, मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को बेचा है सामान। मिस्टर वाई कहाँ का था, लेट्स सपोज पुणे का, ठीक है, और कितने में, वही वैल्यू 1000 और प्रॉफिट 500, 1500 रुपीज में, और सीएसटी कलेक्ट किया होगा 150 रुपीज का, ठीक है। अब इस स्टेप पे जो मिस्टर एक्स है ना, वो उसको क्रेडिट मिल जाएगी क्या, बिल्कुल मिल जाएगी, क्योंकि 150 रुपीज का टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को मिला होगा जैसे प्रीवियस स्टेप में था, और 100 रुपीज की क्रेडिट मिल जाएगी। मतलब नेट जो गवर्नमेंट को जमा कराएगा वो 50 रुपए गवर्नमेंट को नेट जमा कराएगा। गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट बोलेगी ना देखो भैया सीएसटी कलेक्ट हुआ है 150 रुपीज का, तो गवर्नमेंट को क्या बोलेगा कि सर सुनो 150 रुपीज का मैंने कलेक्ट किया है, लेकिन मैं आपको 100 का पहले देके भी तो आया था, तो वो एडजस्ट करो इसमें से, तो मैं आपको नेट 50 रुपीज का टैक्स जमा कराऊंगा, ठीक है। तो मिस्टर एक्स कितना टैक्स जमा कराएगा, मिस्टर एक्स नेट 50 रुपीज जमा कराएगा राजस्थान गवर्नमेंट, ठीक है। अब मिस्टर वाई ने सामान बेच दिया आगे, लेट सपोज किसको बेचा, मिस्टर जेड को बेचा जो कि मुंबई का है ना, कितने में, वैल्यू हो गई 1500, क्योंकि 1500 रुपीज तो वैल्यू वही ना, और अपना प्रॉफिट कमाया मिस्टर वाई ने, 500 रुपीज का प्रॉफिट कमाया मिस्टर वाई ने, टोटल कितना हो गया 2000। इस पे वैट लगेगा सीएसटी, सेम स्टेट है पुणे और महाराष्ट्र, पुणे और मुंबई महाराष्ट्र में तो है, वैट लगाया 10%, 200 रुपीज ये हो गया 2200। अब समझना मेरी बात ध्यान से, क्या मिस्टर वाई को क्रेडिट मिलेगी क्या, मिस्टर वाई जब सामान खरीद के लाया था, तो ये जो 150 रुपीज का टैक्स था ये कौन सी गवर्नमेंट को देके आया, मिस्टर वाई इनपुट पे गवर्नमेंट, इनपुट पे जो टैक्स था वो राजस्थान गवर्नमेंट को देके आया कि नहीं आया, सीएसटी देके आया जो कि मिला राजस्थान गवर्नमेंट को, है कि नहीं, समझ रहे हो मेरी बात। इनपुट पे जो टैक्स था वो देके किसको आया, राजस्थान गवर्नमेंट को, और अब वैट किसको देना है इसको, वो देना है इसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बोलेगा कि मैं 150 रुपीज का टैक्स तो राजस्थान गवर्नमेंट को दिया आया, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू हमको थोड़ी दे के आया है, तू हमको दे के, अगर तू महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देता तो हम सेट ऑफ कर लेते, तू तो दूसरे को दे के आया है, समझ रहे हो मेरी बात, तू हमको थोड़ी दे के आया है। आर यू गाइस गेटिंग इट, मुंबई की महाराष्ट्र की गवर्नमेंट बोलेगी नहीं क्या कि तू सीएसटी दे के आया, वो राजस्थान गवर्नमेंट को दे के आया तू, और अभी तेरे को हमको 220 रुपीज, कितना 200 रुपीज टैक्स देना है, 200 रुपए तेरे को हमको टैक्स जमा कराना है। अगर तू हमको ही 150 रुपए देता ना पहले 150 रुपीज, तो हम ये मान लेते कि चल तू 50 रुपए और दे दे काम खत्म। अब तू टैक्स राजस्थान गवर्नमेंट को दे के आया, तो बोल जा या तो उनसे मांग के ला, राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी भाई तू कौन, क्यों दे देगी राजस्थान गवर्नमेंट, राजस्थान गवर्नमेंट नहीं देगी टैक्स, राजस्थान गवर्नमेंट बोलेगी भाई हाँ टैक्स सेल पे लगता है, हमारे यहाँ सेल हुई बात खत्म। आर यू गाइस गेटिंग इट, अब हो गए कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अब महाराष्ट्र मुंबई गवर्नमेंट, समझना मेरी बात, देखो मिस्टर वाई ने सामान बेचा मिस्टर जेड को, मिस्टर वाई ने सामान खरीदा था मिस्टर एक्स से जो कि जयपुर का था, मिस्टर वाई ने सामान खरीदा था 1000 रुपीज का, उसमें अपना प्रॉफिट जोड़ा था 1500 रुपीज का, ठीक है, सॉरी मिस्टर एक्स ने सामान बेचा था मिस्टर वाई को, मिस्टर वाई ने सामान बेचा मिस्टर जेड को, मिस्टर एक्स ने 500 रुपए प्रॉफिट जोड़ के मिस्टर वाई को बेच दिया सामान, 1500 प्लस 150 का टैक्स लिया, मतलब 1650 में बेच दिया। मिस्टर वाई ने यही सामान मिस्टर जेड को बेच दिया, मिस्टर वाई के घर में कितने का पड़ा, 1500 का पड़ा सामान, प्लस टैक्स तो देके आया था वो। मिस्टर वाई ने क्या किया, खुद भी 500 रुपए का प्रॉफिट ले लिया मिस्टर जेड से, टोटल 2000 रुपीज हो गया, और वैट के नाम पे पैसा कलेक्ट करेगा क्योंकि सेम स्टेट हो गया पुणे और मुंबई। इनपुट जो था ना मिस्टर वाई के पास 150 रुपीज का, वो राजस्थान गवर्नमेंट के पास था, और जो वैट देना है वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना है। तो अब क्या हो रहा है कि जो मुंबई महाराष्ट्र की जो गवर्नमेंट है ना, मिस्टर वाई क्या बोल रहा है इसको कि देखो सर मैं 150 रुपीज का तो पहले टैक्स दे आया,
तो मुंबई की गवर्नमेंट ये बोल रही है, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ये बोल रही है कि भाई तू जो टैक्स दे के आया है ना वो तू राजस्थान गवर्नमेंट को दे के आया है, तू हमारे को थोड़ी दे के आया है, हमारे को देगा तो हम उसमें से एडजस्ट कर लेते, तू दे के राजस्थान गवर्नमेंट को आया तो हम तेरे को कैसे क्रेडिट दे दें, सेम स्टेट में होगा तो क्रेडिट मिल जाएगी और दूसरे स्टेट का मैटर हुआ तो क्रेडिट कैसे मिलेगी, समझ रहे मेरी बात। पुराना वाला जो केस था ना आपका, केस नंबर सेकंड, यहां तो मिल गई थी क्रेडिट, यहां मिल गई थी कि आप यहां, केस नंबर सेकंड क्या था, केस नंबर सेकंड ऐसा था कि मिस्टर एक्स है जयपुर का, जिसके पास वैट की क्रेडिट है 100 रुपीज की, मतलब मिस्टर एक्स ने पेन परचेज किया था किसी राजस्थान वाले बंदे से लेकिन बेचा दिल्ली वाले बंदे को था तो सीएसटी लग गया, ठीक है। पर क्या हुआ था, जो सीएसटी था ना, सीएसटी जो लगा वो भी तो राजस्थान गवर्नमेंट को मिला क्योंकि सेलिंग स्टेट को मिलता है सीएसटी, तो मिस्टर एक्स क्या बोल रहा है कि देखो सीएसटी राजस्थान गवर्नमेंट को मिला और वैट तो राजस्थान गवर्नमेंट को ऑलरेडी दे ही रखा था, क्रेडिट थी राजस्थान गवर्नमेंट के पास तो मिल गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वैट सीएसटी आ जाएगा तो क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं ये भी तो वैट सीएसटी है लेकिन मिली, आपको देखना है कि स्टेट कौन से स्टेट को टैक्स मिला, वहां से दिक्कत आएगी, ठीक है। वॉइस इको हो रही है क्या? मुझे नहीं लगता वॉइस इको हो रही है। हेलो 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 हेलो, अच्छा हेलो 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 हेलो, अभी ठीक है, आप लोग पहले बताए थे यार वॉइस इको, अब वो तो एक सिस्टम ही बंद करना हेलो था, अब और प्रॉपर आ जाएगी। अभी ठीक है, आप लोग पहले बताए थे यार वॉइस इको, अब तो एक सिस्टम ही बंद करना। अच्छा हुआ बता दिया, वैसे बता दिया करो कोई इशू हो तो, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक? अब आप समझ पाए कि एक इस केस में क्या हो रहा है, इस वाले केस में अब महाराष्ट्र गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन तो होगा नहीं, अब लगेगा टैक्स ऑन टैक्स, क्योंकि तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट तो बोलेगी कि भाई हमको तो 200 रुपए दे, मिस्टर वाई को क्या बोलेगी महाराष्ट्र गवर्नमेंट, भाई तू टैक्स देके आया होगा राजस्थान गवर्नमेंट को, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, तू टैक्स देके आया होगा राजस्थान गवर्नमेंट को 150 रुपीज का, हमको तो 200 रुपीज दे, अब उसको देना ही पड़ेगा। तो अब मिस्टर वाई क्या हुआ, मिस्टर वाई फंस गया बेचारा, उसको महाराष्ट्र गवर्नमेंट को 200 रुपीज देना पड़ेगा, डबल टैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, डबल टैक्सेशन हो रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? जितने भी लोग बैठे हैं किस किस को क्लियर नहीं हुआ ये बताओ, किस किस को क्लियर हो गया, दोनों लोग बता दो एक बार, मेरे को तसल्ली मिल जाएगी कि हाँ आपको आ गया तो मैं आगे और अच्छे से कंटिन्यू करूंगा, वरना मैं इसी चीज को बार बार रिपीट करता रहूंगा। एक बार बता दो क्या ये बात आपको पता थी कि जीएसटी क्यों आया? अब आप समझ जाओगे ना कि वैट वैसे बढ़िया सिस्टम चल रहा था लेकिन यहां पे अटक गया, ठीक है, यहां पे अटक गया है ना मयूर, क्लियर है, इसलिए इसलिए जीएसटी लाना पड़ा क्योंकि काम बढ़िया चल रहा था वैट के वैट से ही लेकिन यहां पे मैटर अटक रहा था, ठीक है। चलो अब ऐसी दिक्कत आ रही थी, एक्स सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी कई जगह पे ऐसा केसेस अटक रहे थे, इसी तरह के केसेस, अब हम हर केस पे नहीं जाएंगे क्योंकि हमको, मेरे को आपको सिर्फ एक समझाना था कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी इन सबको लिंक करूं कि अगर आपने पीछे सर्विस टैक्स दिया है आगे वैट दिया है तो क्या होगा, अब आप समझ गए, एक थीम तो समझ गए कि इस तरह की प्रॉब्लम जनरेट हो रही थी, कई कुछ केसेस में डबल टैक्सेशन फिर भी लग रहा था वैट आने के बाद भी, ठीक है, ठीक है, कई कुछ केसेस में फिर भी टैक्स लग रहा था वैट आने के बाद भी, इसलिए जीएसटी लाने की जरूरत पड़ी। अब वैट लाने की क्यों जरूरत पड़ी, क्योंकि वो तो मामला बिल्कुल ही खराब था, डायरेक्टली डबल टैक्स और टैक्स ऑन टैक्स लग रहा था, देश में इन्फ्लेशन पर इन्फ्लेशन बढ़ रहा था, कंज्यूमर को सामान ज्यादा रेट में खरीदना पड़ रहा था, फिर वैट लाए लेकिन वैट से भी कई जगह फिर भी डबल टैक्सेशन लग रहा था, सेंट्रल और स्टेट में आपस में कॉलेब्रेशन नहीं था, आपस में दो स्टेट्स के बीच में कॉलेब्रेशन नहीं था, ठीक है, तो वहां पे भी चक्कर हो रहा था, ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, ये आपको समझ में आ गया कि वैट से अपन जीएसटी पे क्यों आए। तो अगर मैं टेबल बनाऊं, जैसे मान लो टैक्स पेड ऑन परचेज, परचेज पे अगर मान लो आपने वैट दिया है और सेल पे भी अगर आपने वैट दिया है तो क्या क्रेडिट मिलेगी? तब तो मिल ही जाएगी ना,
अगर आपने परचेज पे वैट दिया है और सेल पे सीएसटी दिया है, परचेज पे वैट दिया है और सेल पे सीएसटी दिया है, जैसे ये वाला केस था, सेल पे सीएसटी परचेज पे वैट, तभी भी क्रेडिट मिल गई थी, मिल गई थी ना। लॉजिक समझो ना, स्टेट स्टेट वाइज लॉजिक समझो कि किसको पैसा मिल रहा है, तो भी मिल गई। लेकिन अगर आपने परचेज पे सीएसटी दिया है और सेल पे वैट दिया है तो कोई क्रेडिट नहीं मिली थी, तो कोई क्रेडिट नहीं मिली थी। आर यू गाइस गेटिंग इट? ठीक है जी, अब अपन आते हैं जीएसटी पे। पहले अपन पुराने लॉ से वैट पे आए, अब वैट से आते हैं जीएसटी पे। ठीक है, अब जीएसटी के सिस्टम पे आते हैं। अब शुरू होता है जीएसटी, ये बताना बहुत जरूरी था। अब क्या हो रहा है इससे मैं आपको बताऊं। एक तो आपका, अब आप सिस्टम समझ गए कि जीएसटी क्यों लाना पड़ रहा है, वरना वैट अच्छा चल रहा था कि कई जगह फिर भी डबल टैक्सेशन लग रहा था, सेंट्रल स्टेट कई के बीच में आपस में कॉलेब्रेशन नहीं था, ठीक है, इसलिए से अपन को क्या लाना पड़ा, जीएसटी लाना पड़ा। एक आप वैट समझाने से क्रेडिट सिस्टम समझ गए कैसे क्रेडिट मिलती है, वही क्रेडिट सिस्टम एज इट इज हमारे जीएसटी में आईटीसी नाम का चैप्टर है। हल्का सा फाउंडेशन तो क्लियर हुआ होगा कि आईटीसी के केस में क्या होता होगा कि जितना टैक्स आया है वो टैक्स कलेक्ट करो और पीछे की क्रेडिट ले लो, पीछे क्रेडिट ले लो, जैसे अपन लिए थे ना वैसे। नहीं समझ में आया तो भी कोई दिक्कत नहीं, आईटीसी में पूरा समझ में आ जाएगा, लेकिन हल्का बहुत समझ में आया होगा क्रेडिट सिस्टम कैसे चलता है। इस तरीके से चलता है कि नेट वैल्यू एडिशन पे टैक्स लगता है मतलब। और आईटीसी अगर आप समझ गए ना, मैं आपको बताऊं, जितने भी मेरे पास्ट भी लर्नर्स होंगे ना, आईटीसी आपका एकदम फेवरेट चैप्टर बन जाएगा पढ़ने के बाद। फर्स्ट क्वेश्चन आईटीसी का आता है, आईटीसी का मेनली आता है, उसमें कुछ चैप्टर ऑलरेडी डले हुए रहते हैं, आरसीएम एग्जम्पशन जैसे कुछ कुछ एडजस्टमेंट रहते हैं, लेकिन मेनली आईटीसी का रहता है फर्स्ट क्वेश्चन। कई बार आईटीसी का क्वेश्चन नंबर टू का ये भी आईटीसी का आ जाता है, जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में दो क्वेश्चन आ गए आईटीसी के, 14 नंबर का और 9 नंबर का, 25 नंबर का आईटीसी, कुछ एमसीक्यूज भी थे, तो 20 नंबर के आसपास लगभग लगभग आईटीसी चला जाता है ऑन एन एवरेज। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब आते हैं जीएसटी पे। जीएसटी क्या है, वैट की तरह है जीएसटी भी, जीएसटी में भी हर स्टेप पे क्रेडिट मिलेगी। अब वैट में जो दिक्कत आ रही थी ना, ये जो मैंने आपको बताया कि अगर पीछे सीएसटी पे क्या आगे वैट, ये दिक्कत भी जीएसटी में हट गई। वो कैसे हट गई, पूरा जीएसटी लॉ पढ़ेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, कुल मिला के ये जो एरर थी ना, ये भी जीएसटी में हट गई। अब वैट जीएसटी क्या है, बेसिकली एक टैक्सेशन सिस्टम ही है, जैसे वैट था, कोई जीएसटी कोई टैक्स नहीं है, सिस्टम है कि भाई कैसे क्रेडिट लेनी है, कैसे टैक्स देना है, ये जीएसटी और है क्या। ठीक है, बस क्रेडिट सिस्टम ऐसा है जीएसटी के अंदर कि डबल टैक्सेशन नहीं हो। ऑल्दो क्रेडिट सिस्टम वैट में भी अच्छा था, बट फिर भी डबल टैक्सेशन हो रहा था कई जगह। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, बिल्कुल ही डबल टैक्सेशन बिल्कुल ही हट जाएगा जीएसटी के अंदर तो। ठीक है, अब मैं आपको जीएसटी के बैकग्राउंड में लेके चलता हूँ। जीएसटी पे जो डिस्कशन ना, जीएसटी लाने का, वो मैं देखो इस चैप्टर के अंदर जो चैप्टर नंबर 1 है ना आपका, अभी तक मैंने आपको जो पढ़ाया वो कोई एग्जाम में नहीं पूछेंगे, लेकिन पता होना जरूरी था। अब आपको भी थोड़ा थोड़ा लग रहा होगा कि अच्छा किया बता दिया। दूसरा, इस चैप्टर में जो आपसे पूछेंगे ना एग्जाम में, 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इस चैप्टर के अंदर। 5 नंबर में क्या पूछ सकते हैं आपसे, वो मैं आपको इस चैप्टर के एंड में बता दूंगा क्या पूछ सकते हैं। मेनली इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके की जाती है, वो पूछ सकते हैं। तो मैं आपको हर चैप्टर अभी पढ़ाऊंगा ना, कराऊंगा सारे कॉन्सेप्ट्स, लेकिन ये बता दूंगा कि भाई ये वाली चीज ऐसी है जो 1+ कैटेगरी की है, इसको तो मार्क कर लो, सो दैट आप एग्जाम से एक दिन पहले रिविजन करोगे ना, क्योंकि तो हमारी स्ट्रेटेजी पूरी ऐसी रहेगी कि अल्टीमेटली एग्जाम से एक दिन पहले जब हम पढ़ रहे हैं ना, तो हम जितना भी पढ़ चुके ना, वो सारा का सारा हम एक दिन पहले रिवाइज कर चुके, रिवाइज कर सके। अब जैसे मान लो आप 250 आवर्स की क्लास ले लो, 200 आवर्स की क्लास ले लो, और आपने खूब सारे मॉड्यूल्स पढ़ लिए, बट एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज ही नहीं कर पाए, तो आप खुश तो बहुत हो रहे हो, हम भी हम पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं, लेकिन एग्जाम से एक दिन पहले आप रिवाइज नहीं कर पाए। तो अल्टीमेटली अपना एम क्या है, अल्टीमेटली एम यह है कि हम एग्जाम में नंबर अचीव कर सकें, मार्क्स ला सकें। ठीक है, नॉलेज तो जो है, लेकिन मेन एम तो यही है मेरे ख्याल से आप लोगों का। ठीक है, तो सारी की सारी चीजें, जैसे मैंने जो समरी बुक है मेरी अप्रोक्सीमेटली 300 पेजेस की है, अब उसके अंदर मैंने सब कुछ कवर किया है, तो आप 300 पेजेस आराम से रिवाइज कर लोगे। तो एक ही चीज को बार बार रिवाइज करना ज्यादा फ्रूटफुल है, बल्कि एक मोटी बुक पढ़ के उसको कम बार रिवाइज करना वो नुकसान है। तो मैं आपको उसको इतनी बार रिवाइज करवा दूंगा कि आप पेपर में बैठने से पहले दिमाग में छप चुकी होगी आपकी बुक। तो अब उस बुक में सब कवर है। कई लोगों की बुक, कई अब देखो सुनना, कई लोगों की बुक ऐसी भी मिल जाएगी आपको जो 100, 125, 150 पन्नों की होगी, अब वो वन वर्ड लिखेंगे, उससे समझ नहीं आएगी आपको, बिल्कुल ऐसे एक एक वर्ड लिखेंगे उसमें, तो समझ नहीं आएगी,
बुक शुड बी लाइक दैट कि आपको लैंग्वेज भी उसकी समझ में आ रही है, लॉ की लैंग्वेज भी लिखी हुई है उसमें, आप आगे पीछे का भी समझ में आ रहा है, खाली कीवर्ड कीवर्ड लिख दूंगा तो उससे काम नहीं होगा। बुक ऐसी होनी चाहिए जो आपको पढ़ते ही क्लियर हो जाए, रिकॉल हो जाए सारी चीजें। तो 300 पन्ने, 180, 300 पन्ने लगते हैं। फॉन्ट भी बहुत बड़ा है मेरा, छोटा फॉन्ट नहीं है, कलरफुल है, चार्ट्स हैं उसके अंदर, सब कुछ है। वो बुक प्लस क्वेश्चन बैंक, खत्म हो गया काम, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है और। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, बार 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 आपको, आप जैसे मैं इंपॉर्टेंट चीजें बताता चलूंगा हर चैप्टर के साथ साथ कि भाई ये चीजें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर में ये सेक्शन ऐसे हैं जो आप मार्क कर लो, तो उनको बुक के ऊपर लिख लेना, सो दैट एग्जाम में 60-70% पेपर वहीं से कवर होता है। ठीक है, तो भाई वो तो एक बार ऐसा हो जाएगा कि पढ़ते टाइम हमें पता होगा कि हाँ भाई ये तो बहुत श्योर है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है, चलिए अब अपन आते हैं जीएसटी के ऊपर। जीएसटी के अंदर क्या है, देखो जीएसटी का जो डिस्कशन है ना वो 2004 से शुरू हो गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि 2005 में तो वैट आया है और आप कह रहे हो जीएसटी का डिस्कशन 2004 में शुरू हो गया था। जी, 2004 में जीएसटी का डिस्कशन शुरू हो गया था। 2004 में एक कमेटी थी, विजय केलकर कमेटी, विजय केलकर कमेटी। बेसिकली 2004 में तो इन्होंने जीएसटी का मॉडल प्रपोज कर दिया था सरकार के सामने, 2004 में। विजय केलकर कमेटी थी जो 2001 2002 में ही बैठ गई थी, पूरा का पूरा इन्होंने जीएसटी का मॉडल बनाया और 2004 में तो पेश कर दिया गवर्नमेंट के सामने कि देखो भैया ये केलकर कमेटी ने कि ये जीएसटी का मॉडल है। जीएसटी कोई अभी की खोज थोड़ी है, जीएसटी पे तो बहुत पहले से चर्चाएं चल रही हैं। अब ये विजय केलकर जी थे कौन, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी थे, यूपीएससी का पेपर देते हैं, जो आप देखते हो ना कलेक्टर बन गए, मीम्स चलते हैं कलेक्टर बन गया भैया, कलेक्टर तो बच्चा होता है, सच बता रहा हूँ, अगर आपके कोई नोन में होगा आपको पता होगा, कलेक्टर तो बच्चा होता है, स्टार्टिंग में लगा देते हैं कलेक्टर, जो सीनियर हो जाते हैं, सबसे सबसे सीनियर पोस्ट हो गई फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी, पूरे इंडिया के फाइनेंस डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी। ये जो मंत्री जी होते हैं ना ये कुछ नहीं करते, मंत्री जी क्या करते हैं, सारा लॉ बनाना, सारा डिसीजन लेना, जितना भी गेम है वो आईएएस लोग ही करते हैं, सबसे सीनियर। मंत्री जी तो बस आके भाषण देते हैं, हमने कर दिया। जैसे बजट है, बजट निर्मला सीतारमण जी तो आके बस पढ़ देती है ना। अभी जैसे राजस्थान का बजट था वो तो अशोक गहलोत जी ने आके पढ़ दिया, वो भी गलत ही पढ़ दिया, क्योंकि खुद बनाया हुआ होता तो गलत पढ़ सकता है क्या इंसान, कभी कभी गलत पढ़ ही नहीं सकता, खुद बनाया हुआ हो तो वो तो सारे आईएएस ही ड्राफ्ट करते हैं सारा का सारा बजट। ठीक है, तो इसी तरीके से अभी केलकर जी थे, ये पूरे बहुत एकदम ब्रेनी इंसान, इन्होंने पूरा का पूरा बनाया और 2004 में अटल जी की गवर्नमेंट थी। ठीक है, उनको पूरा का पूरा सबमिट कर दिया ये कि भैया ये बेस्ट मॉडल है, इसको कर लो। अब क्या करें, अटल जी का बहुत मन था 2004 में जीएसटी लाने का, लेकिन जीएसटी लाने का मतलब पता है क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक पता है क्या लिखा हुआ था, तीन लिस्ट थी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। देखो कोई भी चीज आएगी वो एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ही आएगी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर तीन लिस्ट दे रखी है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। अब यूनियन लिस्ट में खूब सारे टैक्सेस दे रखे हैं पर वहां पे कहीं जीएसटी थोड़ी लिखा हुआ है, इसका मतलब अब आपको कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी ऐड करवाना है, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करवाने हैं तभी तो जीएसटी आएगा, समझ रहे हो आप मेरी बात। फिर पावर कौन देता है कोई भी लॉ लाने की, जब वो चीज कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है इसका मतलब आप ला सकते हो। अभी कॉन्स्टिट्यूशन में जीएसटी नाम की कोई शब्द नहीं लिखी हुई थी कि आप ऐसा ऐसा कोई मॉडल, तो कॉन्स्टिट्यूशन पावर देगा तभी तो जीएसटी लाओगे, और कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना मतलब अपने आप में बहुत बड़ी बात है। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज पता है कब होता है, जब राज्यसभा और लोकसभा में एटलीस्ट 2/3 लोग, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है ना, जितने भी मेंबर्स प्रेजेंट है उसके 2/3 लोग क्या करें, अपनी सहमति दे दें, एग्री कर जाएं, तब जाके पता है कोई भी लॉ कैसे, कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कैसे पास होता है, या तो लोकसभा, लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के मेंबर्स 2/3 से मेजोरिटी दें, प्लस प्रेसिडेंट साइन करे, प्लस प्रेसिडेंट साइन करे, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट आती है। और अगर मान लो उस डिसीजन से स्टेट स्टेट को भी इफेक्ट हो रहे हैं, उस डिसीजन से इफेक्ट स्टेट भी इफेक्ट हो रहे हैं, तो कैसे डिसीजन पास होता है, लोकसभा एंड राज्यसभा ये दोनों तो क्या करें,
2/3 के साथ मेजोरिटी दे ही दे, प्लस 50% से ज्यादा स्टेक, मोर देन 50% स्टेट, मोर देन 50% स्टेट अपनी सहमति दे, प्लस प्रेसिडेंट साइन करे, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। तो इतना आसान थोड़ी था। अब 2004 में अटल जी की गवर्नमेंट थी, अटल जी की गवर्नमेंट तो वैसे भी मिली हुई गवर्नमेंट थी, मिली हुई मतलब मेजोरिटी की गवर्नमेंट थी नहीं, मेजोरिटी की गवर्नमेंट नहीं थी ना, खुद की गवर्नमेंट थी नहीं, वो तो उन्होंने किसी के साथ टाइप था। अब भाई 2/3 मतलब कितना हो गया, 66.66% हो गया। इतने लोग अगर हाँ कहेंगे तभी तो पास होगा। अटल जी का बहुत मन था जीएसटी लाने का, बीजेपी का तो शुरू से ही मन था जीएसटी लाने का, पर कांग्रेस, अब आपको पता ही है कि कोई भी इंडिया में कोई भी पार्टी क्या होती है, दूसरी पार्टी की काटती है हमेशा, चाहे वो अच्छा काम हो चाहे वो बुरा काम हो। इन्होंने क्या बोला, कांग्रेस वाले बोले जीएसटी नहीं लाएंगे, जीएसटी लाने नहीं देंगे। 2004 में क्या हुआ, सरकार पलट गई, अटल जी की सरकार गिर गई, जीएसटी का मैटर ऐसे कैसे ही रह गया। कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, उनकी भी कोई मेजोरिटी नहीं थी, अब वो लाना भी चाहें तो भी नहीं ला सकते थे कांग्रेस वाले भी, क्योंकि फिर बीजेपी वाले नाटक करते। कुल मिला के आपस में गवर्नमेंट कोई भी कुछ बोले ना, कुछ बोलना ही शुरू करे पार्लियामेंट में, दूसरा पहले हाय हाय करना शुरू कर देता है, क्योंकि मतलब अपोजिशन का काम यही होता है। इस तरीके से कभी जीएसटी ला ही नहीं पाए। फिर ये कैसे आया जीएसटी, अब जीएसटी का जो मॉडल था ना, जीएसटी तो आ नहीं पाया, फिर वैट लाए, क्या स्टेट्स को बोल दिया कि भाई ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में पावर है ही, तो आप इसको अडॉप्ट कर लो, मतलब स्टेट तो यूनियन ये लिस्ट 2 के हिसाब से ला ही सकते हैं, क्योंकि पहले क्या पावर लिस्ट 2 के अंदर थी स्टेट में टैक्स लगाने की, तो वैट वगैरह लाने में दिक्कत नहीं आई, वो तो पावर थी ऑलरेडी। पर कभी ऐसा कोई पावर नहीं थी कि यूनियन लिस्ट में, इनकम टैक्स था यूनियन लिस्ट में, पर ऐसा नहीं था कि इनडायरेक्ट टैक्स पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर भी सेंट्रल गवर्नमेंट का रोल हो, ऐसा कुछ नहीं था। समझ रहे मेरी बात, जीएसटी तो क्या वन नेशन वन टैक्स, तो यूनियन लिस्ट में ऐसी कोई बात थी नहीं, वो स्टेट लिस्ट में थी, स्टेट का मैटर ही बताया जा रहा था हमेशा से, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना था। अब क्या हुआ, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही तभी भी कुछ नहीं हुआ। अब 2014 में बहुमत के साथ मोदी गवर्नमेंट आई, एकदम बहुमत के साथ। इनफैक्ट आप लोग, अपन लोग तो उस टाइम बहुत छोटे थे, लेकिन जो लोग टैक्सेशन में प्रैक्टिस करते हैं ना, जो लोग टैक्सेशन में बहुत टाइम से प्रैक्टिस करते हैं, वो लोग ऐसे बोलते थे कि यार किसी की भी गवर्नमेंट आए, लेकिन आए तो मेजोरिटी के साथ आए, क्योंकि वरना है ना ये जीएसटी लग ही नहीं पाएगा, जीएसटी लग ही नहीं पाएगा। 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, 2015 में अरुण जेटली जी ने ड्राफ्ट बना के, ये कोई एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है मैं बता रहा हूँ, अरुण जेटली जो थे ना, मैं आपको बताऊँ, पता नहीं आप लोग फॉलो करते थे नहीं करते थे, मैं तो हमेशा से मतलब देखता रहता था, ही वॉज लाइक जैम, सच बता रहा हूँ, मतलब जितना दिमाग था ना, पूरी एडवोकेट वाला, बार काउंसिल, CA इंस्टीट्यूट, CS इंस्टीट्यूट, जितने भी लॉ बनाने थे, कोई इतनी समझ थी ना बारीकी से कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। मतलब मैं बोलता हूँ ऐसे लोग थोड़े से भी हो ना इंडिया में, तो कल्याण हो सकता है इंडिया का, बहुत अच्छे से कल्याण हो सकता है। मतलब उनसे बेस्ट फाइनेंस की नॉलेज किसी को थी नहीं। तो 2015 में अरुण जेटली जी ने ड्राफ्ट बना के गवर्नमेंट को सौंपा, ठीक है। अब क्या हुआ, 2016 में लोकसभा में तो पास हो गया, लोकसभा में जो 2/3 लोगों ने मेजोरिटी दे दी, लोकसभा में तो बोल दिया कि हाँ भाई 2/3 लोगों ने कि हाँ जीएसटी ले आओ, लेकिन राज्यसभा में मना हो गया, राज्यसभा में इतनी मेजोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की, ठीक है, राज्यसभा में इतनी मेजोरिटी नहीं थी गवर्नमेंट की। अब मैटर लोकसभा में पास हो गया, लेकिन राज्यसभा में जाके अटक गया, लोकसभा में पास हो गया लेकिन राज्यसभा में अटक गया। और कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कब होता है, जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों हाँ कर दें, तब कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है। अब मैटर अटक गया कहां पे जाके, 2000, अब जीएसटी आया, देखो मोदी गवर्नमेंट आई 2014 में, लेकिन जीएसटी कब आया, 1 जुलाई 2017 से। आप सोचेंगे इतना लेट क्यों आया, वो बता रहा हूं मैं आपको क्यों लेट हुआ। अब मैटर अटका राज्यसभा में, अब गवर्नमेंट ने क्या बोला, पूरे देश में ऐसी तगड़ी मार्केटिंग करी कि कांग्रेस देश को बर्बाद कर रही है। ऐसे बताया गया कि जीएसटी आएगा, वन नेशन वन टैक्स होगा, तो इतने फायदे होंगे पूछो मत। आप लोग तो तब शायद मेरे ख्याल से ग्रेजुएशन वगैरह में होंगे 2015-16 टाइम, है ना, स्कूल क्रॉस किया होगा आपने। उस टाइम ऐसी मार्केटिंग करी कि जैसे पता नहीं जीएसटी लाने से क्या होगा, बच्चे बच्चे के मुंह पे जीएसटी लाओ ऐसे नाम थे, ठीक है, आप अपने पूछना पेरेंट्स से।
मतलब ऑटो वाले तक ये बोलता था कि कांग्रेस जीएसटी लाने दे रही, उसको कुछ नहीं समझ में आ रहा हूँ जीएसटी के बारे में, फिर भी बोले जीएसटी। फिर गवर्नमेंट ने इतनी भयंकर मार्केटिंग की कि कांग्रेस क्या कर रही है, देश को खराब कर रही है, ये सब कर रही है, तब जाके इनफैक्ट मैं आज भी ध्यान है मेरे को, तब मैं फाउंडेशन में था, लेकिन हमारे घर में क्या सीए वीए हैं काफी, तो डिस्कशन होते रहते थे कि राज्यसभा में जब जा रहे थे ना मेंबर्स, तो वो ये बोल के जा रहे थे कि हम जीएसटी का विरोध करने जा रहे हैं, पर इतना भयंकर प्रेशर डलवाया जनता से, मतलब इतनी भयंकर तरीके से प्रेशर डलवाया कि अंदर 100% मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में अपन को चाहिए थे 66.66, कहां इतने भी नहीं मिल रहे थे, और 100% मेजोरिटी के साथ राज्यसभा में डिसीजन पास हुआ था, फिर जीएसटी लाया गया था 2016 में। 2016 में प्रेसिडेंट ने साइन किए थे, मतलब 8 सितंबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जीएसटी नाम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट हो चुके थे, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दे दी थी कि भैया अब आप जीएसटी लगा सकते हो, आप कभी से लगाओ, वो इच्छा है फिर आपकी गवर्नमेंट की, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करना सबसे बड़ी दिक्कत थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 सितंबर 2016 को एंट्री डल चुकी थी, फिर जीएसटी आया 1 जुलाई 2017 से सीए डे के दिन, मोदी जी ने अपने आईसीआई के अंदर ही, यहीं से अपने शायद दिल्ली से आईसीआई के अंदर यहां से जीएसटी को लॉन्च किया था। तो ये जीएसटी की हिस्ट्री थी, मैं आपको बताऊं ये तो मोदी जी की गवर्नमेंट थी, वरना जीएसटी तो 2001 छोड़ो, उससे पहले से ही प्लानिंग चल रही है जीएसटी की, तो बहुत पहले से प्लानिंग चल रही है जीएसटी। 2001 में तो केलकर कमेटी ने पूरा मॉडल ही बना के दे दिया था, आज की बात थोड़ी है, तो बहुत पुरानी बात है, ये तो मोदी गवर्नमेंट थी इसलिए जीएसटी आ गया, नहीं तो मेरा मेरे मेरा बच्चा पढ़ा रहा होता आपको, समझ रहे हो मेरी बात, और आपके बच्चे पढ़ रहे होते, ये सीन होता जीएसटी का, अभी तक नहीं आता जीएसटी, इस तरीके से जीएसटी आया। अब जब ये जीएसटी आया ना, तो मैं आपको बताता हूं क्या हुआ था, इतना समझ में आया कि यहां तक आपको, पहले मुझे बताओ कि जीएसटी का बैकग्राउंड कैसे कैसे क्या था, केलकर कमेटी ने क्या किया, ऑल्दो एग्जाम के पॉइंट से इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे की सारी क्लासेस तो एग्जाम ओरिएंटेड ही होने वाली है, लेकिन मैं चाहता था कि पहले स्टोरी समझा दूं थोड़ी बैक एंड की, ठीक है आगे बढ़ते हैं। पूरे इंडिया में जीएसटी कब से आया, 1 जुलाई 2017 से, ठीक है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में 8 जुलाई को आया था, क्योंकि पहले आर्टिकल 370 चलता था, पहले आर्टिकल 370 चलता था, जो कि अब क्या हो गया, बंद हो गया, आर्टिकल 370 हट गया ना। तो आर्टिकल 370 क्या था पता है किसी को, वो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दे रखी थी, स्पेशल राइट दे रखे थे जम्मू कश्मीर को कि भैया आप चाहो ना, आर्टिकल 370 क्या था, आर्टिकल 370 ऐसा था कि जम्मू कश्मीर को क्यों बेनिफिट मिला आर्टिकल 370 का, कभी मन में ऐसा डाउट नहीं आता कि जम्मू कश्मीर को क्यों बेनिफिट मिला आर्टिकल 370 का। मैं आपको बताऊं, जब इंडिया आजाद हुआ था ना, तो आजादी के टाइम ऐसा हुआ था कि तीन ऑप्शन दिए गए थे कि या तो आप इंडिया में रह लो, या पाकिस्तान में चले जाओ, या फिर आप इंडिपेंडेंट रह लो, आपकी चॉइस है। तो उस टाइम बाकी सब तो इंडिया में आ गया था, तीन ऐसे स्टेट थे जो कि बोले हम इंडिया में नहीं आएंगे, बट वो दो भी बाद में इंडिया में आ गए थे, ठीक है, वो दो भी बाद में इंडिया में आ गए थे, लेकिन इकलौता जम्मू एंड कश्मीर था वो इंडिपेंडेंट था, ऑल्दो उसका झुकाव पाकिस्तान की तरफ ज्यादा था। कैसे ज्यादा था कि कोई जम्मू कश्मीर का पर्सन है, वो जम्मू कश्मीर की फीमेल है, ठीक है, तो वो पाकिस्तानी के साथ शादी कर सकती है लेकिन इंडियन के साथ नहीं, ऐसे ऐसे लॉ थे, मतलब इफ आई एम रॉन्ग, बट ऐसे लॉ थे कि अगर गवर्नमेंट जॉब करनी है अगर आपको, तो आप गवर्नमेंट जॉब में हो, तो बहुत तरह के लॉ थे जो ये दिखाते थे कि जो जम्मू कश्मीर वाले हैं ना, वो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा इंक्लाइंट थे, इंडिया की तरफ कम इंक्लाइंट थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, अब जम्मू एंड कश्मीर कैसे आया इंडिया में, फिर एक बार क्या हुआ था कि जम्मू एंड कश्मीर पे अटैक हुआ था, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर हेल्प के लिए आया था इंडिया के पास कि हमारी हेल्प कर दो, इंडिया ने बोला भाई तू तो इंडिपेंडेंट है तो मजे से रहे, हमारे पास क्यों आया है, लड़ ले खुद ही। तो इंडिया ने बोला तू अगर हेल्प लेना चाहता है तो हमारे अंदर मर्ज हो जा, नहीं तो मर, हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो उसने बोला था कि मैं इतने शॉर्ट नोटिस पे इंडिया में कैसे मर्ज हो जाऊं, तो आप एक काम करो,
कि एटलीस्ट मेरे को एक पावर दो जिसका नाम आर्टिकल 370 था, कि मैं कोई भी जो लॉ बनाएंगे ना, कोई भी लॉ इंप्लीमेंट होगा, तो जैसे सपोज करो इंडिया में कोई लॉ इंप्लीमेंट हुआ तो वो पूरे इंडिया पे इंप्लीमेंट होगा, लेकिन मेरे ऊपर इंप्लीमेंट तभी होगा जब मेरी इच्छा होगी, ऐसा जम्मू कश्मीर ने बोला। हमारी हमारी इच्छा होगी ना तभी हम इंप्लीमेंट करेंगे। अगर इनकी इच्छा कब होगी, जब इनको लगेगा कि इनका कोई फायदा हो रहा हो तभी इनकी इच्छा होगी, अगर इनका कोई रेवेन्यू का नुकसान हो रहा हो तो इनकी कोई इच्छा नहीं होगी। तो 2017 में तो आर्टिकल 370 था, तो उस केस में क्या हुआ कि भैया जम्मू एंड कश्मीर ने लेट परमिशन दी थी, 8 जुलाई को पूरे इंडिया में जीएसटी आया था, 1 जुलाई को इनका आया था, 8 जुलाई को। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और जो जीएसटी लॉ है ना, मैं आपको बताऊं कि कहां से कॉपी किया, इंडिया में आज तक वैसे भी कोई लॉ खुद तो बना नहीं है, ठीक है, इंग्लिश बोलनी ढंग से नहीं आती, इंग्लिश में लॉ कहां से आएगा, तो इंडिया में खुद से तो कोई लॉ बना नहीं है, तो ये मलेशियन लॉ से मारा है हमने, मलेशिया का जो जीएसटी लॉ था ना उनसे कॉपी मार लिया। ऑल दो क्या हुआ, मलेशिया ने पहले उनका पुराना सिस्टम था, फिर जीएसटी लगाया, अब वो वापस पुराने सिस्टम पे आ गए, पर वो जीएसटी बना दिए। इंडिया ने क्या किया कि तुम भले पुराने में चले गए, हम तो तुम्हारा लॉ कॉपी मार लेते हैं। इनफैक्ट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको बता रहा हूँ कि जीएसटी आया 2017 से है, कुछ टैक्स प्रैक्टिस जो करते हैं ना टैक्स के लोग, वो 2012-13 में जीएसटी में प्रो हो गए, झूठ नहीं बोल रहा, वो ऑलरेडी प्रो हो चुके थे, उनको उनको मालूम था कहीं से इधर उधर का कॉपी मारेंगे, उन्होंने पढ़ लिए दूसरे देश के लॉ, ठीक है, उन्होंने पढ़ लिए, तो मलेशिया का लॉ मारा हमने। अब आप सोचोगे मलेशिया ने वापस से क्यों रिवर्ट बैक मार लिया, उनके भी कोई राहुल गांधी था मतलब वहां पे भी, क्योंकि राहुल गांधी हमारे कहते हैं ना कि अगर 2019 में राहुल गांधी ने बोला था कि अगर इंडिया में जीएसटी हमारी सरकार अगर आई तो हम जीएसटी हटा देंगे, बोला था, तो वहां पे भी कोई था ऐसा जो भी ऐसा बोला होगा, तो हट गई जीएसटी। भाई आज की डेट में मुझे ऐसा लगता है कि जीएसटी इतना स्ट्रांगली इंप्लीमेंट हो चुका है, अब इतना भयंकर टैक्स का रेवेन्यू का सोर्स है और हर तरीके से भ्रम चुका है कि अब जीएसटी वापस लेना प्रैक्टिकली पॉसिबल है ही नहीं, आप बोल लो मतलब, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है अब जीएसटी को वापस लेना। और शुरू शुरू में लेना था तो ले लेते, लेकिन अब तो अब चीजें बहुत सही होने लगी हैं, शुरू शुरू में बहुत दिक्कतें थी, तो अब इस स्टेज पे जीएसटी रिवर्ट बैक होना बिल्कुल ही प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, एक देश की स्थिति खराब हो जाएगी अगर जीएसटी हटा दो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और आपको एक फन फैक्ट और बताऊं, टोटल 160 कंट्रीज हैं, ये नॉलेज आप कितने भी डेमो देख लो, मैं आपको बताऊं, किसी का भी डेमो देख लो, कुछ भी कर लो आप, मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा ना, मेरा एक भी कंटेंट, एक सिंगल वर्ड भी आपको किसी से कॉपी पेस्ट नहीं मिलने वाला। दूसरी बात कि जितना भी चीजें होगी ना, इट विल बी लाइक ऐसा कि आपके मार्क्स भी आ जाएं और आपके कॉन्सेप्ट भी पूरे के पूरे क्लियर हो जाए, मेरा यही पर्पज रहेगा, वो भी सबसे कम टाइम में, इतने कम टाइम में किसी का फुल कोर्स नहीं मिलेगा आपको, जितना ये है बस पूरा का पूरा कवर हो जाएगा आपका। ठीक है, और दूसरा जो क्लास वाले बच्चे हैं, मैं आपको ये भी बताऊं, सारे क्लास वाले ही हैं, मैं ऐसा नहीं कि आपको पढ़ाया काम खत्म, मैं आपकी रेगुलर जूम लूंगा, आपसे अपडेट लेता रहूंगा, क्योंकि क्या है आपके कम नंबर आएंगे ना तो मेरी बदनामी, मेरा रिजल्ट खराब होता है, तो मेरा रिजल्ट खराब होता है, तो अभी मेरे को लगता है कि भाई मेरा रिजल्ट ऐसा होना चाहिए जैसा किसी का नहीं, तो मैं हर बंदे पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालता हूँ। अगर आप प्रीवियस बैच के किसी भी बच्चे को उठा के पूछोगे ना, कोई आपका दोस्त हो, तो यही बोलेगा आपको, क्योंकि इसमें मेरा लॉस है, तो आपके नंबर आना मतलब मेरा प्रॉफिट, और आपकी कम नंबर आना मतलब मेरा नुकसान, और मेरे प्रॉफिट में आपका भी प्रॉफिट है, तो यू हैव टू कॉपरेट, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, करना पड़ेगा। ठीक है, अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अब 160 कंट्रियों में ना, 160 कंट्रीज में क्या है, जीएसटी है। और एक फन फैक्ट बताऊं आपको कि जिस भी देश ने जब जब जीएसटी लगाया ना, उसके बाद वाले इलेक्शन में वो गवर्नमेंट हार गई, एक्सेप्ट इंडिया। इंडिया इकलौता एक ऐसा कंट्री है 160 कंट्रीज में से जहां पे जीएसटी लगा और उसके बाद भी वापस से मोदी गवर्नमेंट आई, अदरवाइज सारे कंट्रीज में क्या हुई, वापस से गवर्नमेंट गिर गई। ठीक है, आप लोगों को लग रहा है मैं मोदी जी को बहुत सपोर्ट कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, आप जब आगे के लेक्चर देखोगे आपको लगेगा कि मैं मोदी जी को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं मोदी जी को उल्टा दिखा रहा हूँ, उनकी इमेज, जो एक्चुअल रियलिटी में बताऊंगा, जीएसटी लॉ में कई ऐसी चीजें भी हैं जो कि नहीं होनी चाहिए थी लेकिन है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैं आपको बताऊं, ये इंडिया जो है ना, इंडिया में जो जीएसटी है, अब जीएसटी भी 160 कंट्री में है टोटल, उनमें पता कैसे कैसे है, तीन तरीके से है, एक तो है सिंगल जीएसटी,
सिंगल जीएसटी का मतलब क्या है, जैसे अपने इंडिया में तो आपने देखा होगा कोई भी बिल सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पे लगता है, ठीक है, सीजीएसटी एसजीएसटी के नाम पे लगता है। उनके पता कैसे लगता है, खाली एक वर्ड जीएसटी, एक ही गवर्नमेंट कलेक्ट कर दिया, कोई मतलब ही नहीं सीजीएसटी एसजीएसटी, खाली जीएसटी, ठीक है, बिल पे सिर्फ एक वर्ड जीएसटी। कई कंट्री ऐसे हैं जहां पे ड्यूअल जीएसटी का कॉन्सेप्ट है, ड्यूअल जीएसटी मतलब कि लगेगा तो सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों, पर कलेक्ट कंट्रोल सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का। थोड़ा सा सुनना मेरी बात, अगर आपने, मेरे को पता है हिस्ट्री और पॉलिटी आपकी अच्छी नहीं है, और कभी सीए बनने के बाद यूपीएससी करो ना, तो आपको बहुत अच्छी सी चीजें समझ में आएंगी। मैं तो कहूंगा कि कॉन्स्टिट्यूशन तो हर किसी को पढ़ना चाहिए। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वो ऐसे बोलता है कि किसी भी गवर्नमेंट, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम है ना स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे बोलता है कि इंडिया क्या एक फेडरल स्टेट है, फेडरल नेशन है इंडिया एक। फेडरल नेशन का मतलब, फेडरल नेशन का मतलब यह है कि किसी भी गवर्नमेंट के पास कोई कोई भी बड़ा कोई छोटा नहीं, सब बराबर है। स्टेट गवर्नमेंट, ऑल दो आप सोचते हो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है स्टेट गवर्नमेंट छोटी है, लेकिन फेडरल नेशन क्या बोलता है कि कोई भी, ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट बड़ी है ना स्टेट गवर्नमेंट बड़ी है। लेकिन लेकिन आप अगर कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे ना, पूरे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कहीं पे भी ये नहीं लिखा हुआ कि इंडिया एक फेडरल नेशन है, पर है इंडिया फेडरल नेशन। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है क्लियरली कि इंडिया फेडरल नेशन है, पर उसको पढ़ के ऐसे फील आती है। जैसे मान के चलना, वो आपको ये नहीं बोल रही कि मैं बेवफा हूं, ठीक है, बट आपको समझ रहा है कि भाई रात के 4 बजे तक ऑनलाइन है, लेकिन आपको रिप्लाई नहीं कर रही है, ठीक है, बोल रही है तो मेरा दोस्त है और उसके साथ साथ 4 4 दिन ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं, ठीक है, बढ़िया नाइट आउट चल रहा है, ठीक है, आप मैसेज कर रहे हो उसका आज 5 5 दिन बाद रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, आप भेज कुछ और रहे हो कुछ आ रिप्लाई, कंट्रोल छोड़ो कंट्रोल, है ना। तो कुल मिला के बात क्या है कि जैसे आपको लग रहा है ऐसा, ठीक है, आपको लग रहा है ऐसा कि भाई इंडिया एक फेडरल नेशन है, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ऐसी फील आ रही है, पर कहीं वर्ड नहीं लिखा हुआ फेडरल कि इंडिया एक फेडरल कंट्री है, फेडरल स्टेट है, फेडरल नेशन है। फेडरल नेशन की पता क्या क्वालिटी होती है कि कोई भी गवर्नमेंट, बट कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के ना दो चीज लगी, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के दो चीज लगी, क्या लगा कि एक तो इंडिया फेडरल नेशन है, दूसरी कहीं कहीं ये फीलिंग भी आई कि कहीं ना कहीं हल्की सी सेंट्रल गवर्नमेंट को हल्का सा ज्यादा तवज्जो मिला है। अब इसलिए कहीं पे भी फेडरल वर्ड यूज भी नहीं करा, पर वो फेडरलिज्म वाली वाइब्स भी आ गई, मतलब, ठीक है, समझ रहे हो, तो वैसा था, मतलब है ना, लॉयल्टी भी है लेकिन थोड़ी थोड़ी गद्दारी भी, वैसी वाली वाइब्स आती है ना। मैं तो आपको बोलूंगा कि आप पढ़ना कभी कॉन्स्टिट्यूशन, या आप लोग सीए बन जाओ तो, मैंने एक दो बार ऐसे थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, मैं पढ़ा दूंगा आपको थोड़ा सा जितना मुझे आता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, तो क्या है कि अब देखो, अगर सिंगल जीएसटी तो लगा ही नहीं सकते, क्योंकि जीएसटी पे सेंट्रल स्टेट, अभी मैं बताऊंगा आपको कि भाई जीएसटी जब हटा था ना, तो अभी जीएसटी कैसा चलता है कि स्टेट गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है और सेंट्रल गवर्नमेंट को भी जीएसटी से पैसा मिलता है, तो सिंगल जीएसटी तो इंडिया का कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकता, मोनोपोली तो है ही नहीं। ड्यूअल जीएसटी क्या बोलता है, ड्यूअल जीएसटी विद सिंगल कंट्रोल, ड्यूअल जीएसटी विद सिंगल कंट्रोल, ये भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इंडिया भैया फेडरल नेशन है, इंडिया फेडरल नेशन है, तो ड्यूअल जीएसटी विद सिंगल कंट्रोल कैसे, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या बाप हो गई है कि बस वही करेगी सारा काम, स्टेट गवर्नमेंट बोलेगी हम कुछ नहीं। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट क्या आया, ड्यूअल जीएसटी विद ड्यूअल कंट्रोल, दैट इज इंडिया, कि भैया इक्वल इक्वल राइट है सेंटर का भी और स्टेट का भी। तभी आपने देखा 50-50 होता है जीएसटी में, आज तक आप सोचे कि 50-50 क्यों होता है, बराबर पावर है भैया, इंडिया हमारा फेडरल नेशन है, एज पर कॉन्स्टिट्यूशन 50-50 होगा। आर यू गाइस गेटिंग इट, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है, इंडिया के अंदर ड्यूअल जीएसटी कॉन्सेप्ट लगता है, ठीक है। अब सुनना मेरी बात, एक बात और ध्यान से सुनना, अब ड्यूअल जीएसटी, ड्यूअल जीएसटी मतलब सेंटर और स्टेट दोनों का रोल है इसके अंदर। अब हुआ क्या था मैं आपको बताता हूं, जीएसटी के अंदर है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हो गए, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हो गए और स्टेट गवर्नमेंट के भी मर्ज हो गए। अगर आप देखोगे ना, खूब सारे टैक्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के थे, खूब सारे टैक्सेस स्टेट गवर्नमेंट के थे, जीएसटी में क्या हो गए, मर्ज हो गए। जैसे
सेंट्रल गवर्नमेंट का मेनली सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी, जहां से बहुत अच्छा रेवेन्यू का सोर्स था, वो मर्ज हुआ। स्टेट गवर्नमेंट का वैट, ठीक है, और क्या बोलते हैं तुम्हारे लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स ऑन एडवर्टीजमेंट, मेनली तो वैट गया जो बहुत ज्यादा अच्छा रेवेन्यू का सोर्स था। अब पता है क्या हो रहा था, जब जीएसटी आ रहा था ना, तो पूरा का पूरा, आप समझना मेरी बात, अभी जैसे मान के चलो मैं अपना इंडिपेंडेंट, मैं स्टेट हूँ, मान के चलो आप भी स्टेट हो, अब अपन सब अपना अपना गुजारा कर रहे हैं, बढ़िया कमा रहे हैं, अपने हिसाब से टैक्स लगा रहे हैं, अपना इंडिपेंडेंट राज चल रहा है, एकदम बढ़िया है ना, सेंटर अपना कर रही है, स्टेट अपना कर रहे हैं, सब खुश है, मतलब एक दूसरे की शादी पार्टी में जाया जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब जीएसटी का तो मतलब यही हो गया कि भैया सब मिलके काम करेंगे, सबका एक साथ टैक्स कलेक्शन होगा, तो बड़ा अजीब लग रहा था कि यार ये चीज सक्सेसफुल भी होगी कि नहीं होगी। स्टेट सोच रहा है कि यार अभी मैं साल के मान के चलो 80 लाख करोड़, 80 लाख करोड़ कमा रहा हूं मैं, है ना, मान लो, समझ ना मेरी बात, 80,000 करोड़, सॉरी 80,000 करोड़ कमा रहा हूँ मैं, स्टेट सोच रहा है ऐसा, पता चला जीएसटी आने के बाद 50,000 करोड़ ही रह जाए, तो पता चला ज्यादा हो जाए, तो बिल्कुल अजीब, एकदम अनप्रिडिक्टेबल था। और इतने लेवल पे काम करना जिससे आपका पूरा स्टेट चल रहा हो, तो जीएसटी लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। बहुत स्टेट तो हमेशा से रिलेक्टेंट थे कि उनको लग ही नहीं रहा था कि यार पता नहीं ये चीज सक्सेसफुल भी होगी कि नहीं होगी। और आपको बताऊं 160 कंट्रियों में सरकार गिरने का रीजन ही यही है, छोटा मोटा डिसीजन है क्या टैक्स रिफॉर्म, आप खुद सोचना, पहले हर स्टेट अपना अपना काम कर रहे हैं, स्टेट अपना काम कर रहा है, जीएसटी लाना वाला सब कुछ एक साथ मर्ज, समझ ही नहीं आ रहा किसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या इम्पैक्ट होगा। अब आप सोच सकते हो किस दिमाग के साथ बनाया होगा इसको, ठीक है। अब हुआ क्या, ध्यान से समझना मेरी बात, अब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलके काम कर रही है, मिलके एक दूसरे के साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के साथ मिलके काम कर रही है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना, ऑल्दो पार्लियामेंट के अंदर लॉ पास हो गया 2/3 मेजोरिटी के साथ, मैं मिनिमम 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए पार्लियामेंट में, तब जाके कॉन्स्टिट्यूशन में तो अमेंडमेंट आ गया, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि भैया जोर जबरदस्ती है स्टेट को, भाई पहले हर स्टेट का अपना चलता था, सेंटर का अपना चलता था, तो सेंटर कांट फोर्स स्टेट ना, तो मोदी जी स्टेट गवर्नमेंट्स को मनाने में लगे फिर, क्योंकि बहुत सारे स्टेट मना कर रहे थे कि यार हमको नहीं लग रहा सही, मतलब मना कर रहे थे रिलेक्टेंट हो रहे थे, ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि यार पता नहीं ये सही डिसीजन है या नहीं। तो मैं आपको बताऊं, अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करते हैं, ये सारी बातें शायद आपको नहीं पता होंगी जो आज पता चल रही है, स्टेट गवर्नमेंट का जो मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था ना, वो एल्कोहल से था, पेट्रोल से था, एल्कोहल से कितना था, एल्कोहल से था 1/4, 25% सोर्स ऑफ रेवेन्यू था एल्कोहल से, सिर्फ बॉटल से, ठीक है, और पेट्रोल से था कितना, 33% रेवेन्यू पेट्रोल से था, 1/3 रेवेन्यू था पेट्रोल से, 1/4 रेवेन्यू था एल्कोहल से, मतलब लगभग लगभग देखा जाए ना तो अप्रोक्सीमेटली 60% रेवेन्यू तो एल्कोहल और पेट्रोल से ही था स्टेट गवर्नमेंट का, और 40% जो रेवेन्यू था ना वो रिमेनिंग रिमेनिंग से था। तो स्टेट गवर्नमेंट के पास जब सेंट्रल गवर्नमेंट गई थी ना, स्टेट गवर्नमेंट की जब स्टेट गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट जब गई थी, तो उन्होंने बोला कि आप जीएसटी में आ जाओ, तो स्टेट गवर्नमेंट ने पेट्रोल को और अल्कोहल को तो बिल्कुल ही साइड में कर दिया, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट, मोदी जी पूछे भैया सेंट्रल गवर्नमेंट से कि अल्कोहल जीएसटी में ले आओ, बोले मेरी बाटली पे नजर डालने का ही नहीं रे बाबा, बाटली चीज ही ऐसी है, बाटली में इतना इतना रेवेन्यू जनरेट करके दिया, स्पेशली जो अल्कोहलिक लेकर का जो लाइसेंस फीस होती है ना, आपको लगता है कि ऐसी शराब बांट लेते हैं, ऐसी शराब की दुकानें खुल जाती है, ठेके 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 जो बिकते हैं ना, ठेके करोड़ों रुपए में ठेके बिकते हैं, ऑनलाइन ऑक्शन होता है इनका, पहले तो ऑफलाइन ऑक्शन होता था, तो ठेकों में इतना करप्शन होता था पूछो मत, आजकल तो फिर भी ऑनलाइन ऑक्शन होने लग गया, ठीक है, किसको ठेका मिलना होता है वो, पहले पहले के जमाने में अगर बात करूँ ना 10 साल पहले की, तो सरकार जिसको चाहेगी उसको ठेका मिलता था, और ठेका छुड़वाने के लिए सरकार को पैसे देने पड़ते थे, अफसरों को पैसे देने पड़ते थे, ये रियलिटी है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि भाई बाटली चीज ही ऐसी है रे बाबा, बाटली देने का ही नहीं, बाटली में मेरा बाप गया, मेरा गया राज गया, पता चला ये स्टेट भी चला गया, तो कौन भुगतान भरेगा इसका। तो बोले एल्कोहल की, तो मोदी जी को क्या बोला, इसकी तरफ देखने का ही नहीं, इससे मेरा गहरा लगाव है, तो एल्कोहल तो एकदम ही दूर कर दिया, जीएसटी से दूर, ठीक है, जीएसटी के आसपास दिखनी भी नहीं चाहिए बाटली, नजर भी नहीं, तुम्हारी नजर भी नहीं जानी चाहिए इस पे, ये तो हमारा ही है एल्कोहल। मोदी जी बोले ठीक है चलो इतना ही प्यार है तो इसको रख देते हैं अलग से, जैसे ही एल्कोहल बोलते चिढ़ जाते थे स्टेट, है ना, बहुत पैसा कमाया यार,
फिर आता है पेट्रोल पे। मोदी जी बोले पेट्रोल दे दो, स्टेट बोले हमको आप पे भरोसा ही नहीं। मोदी जी बोले अरे ऐसे कैसे, दोस्त हैं अपन, साथ मिलके करेंगे, है ना, एक बार मान जाओ ना, है ना। ऐसे मोदी जी कन्विंस कर रहे हैं इमेजिनरी वर्ल्ड में, ये नहीं हुआ था रियलिटी में ऐसा, बट पर हाँ ये जो मैं आपको बोल रहा हूँ मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू वाली बात सब सच है ना। ऐसे मना नहीं रहे थे मतलब मोदी जी, ठीक है, ऑल्दो स्टेट मना कर रहे थे इसमें कोई डाउट नहीं है। अब पेट्रोल के केस में मोदी जी ने सब खूब समझाया स्टेट गवर्नमेंट को, बोला भैया प्लीज मान जाओ, ठीक है, तो अब से नहीं, मतलब कुल मिला के कैसे ना कैसे करके कन्विंस करा। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ने ये बोला कि देखो आप इतनी जिद कर रहे हो ना, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम जीएसटी में तो आ जाएं, हम जीएसटी में तो आ जाते हैं, लेकिन जीएसटी किसी फ्यूचर डेट से लगाएंगे, जब हम पे, जब हमको आप पूरा ट्रस्ट हो जाएगा ना, अभी फ्रेंडशिप कर लेते हैं, अगर कुछ सही लगा तो ही आगे रिलेशनशिप में आएंगे, नहीं तो नहीं। तो अभी तक तो रिलेशनशिप में आए नहीं, अभी तक फ्रेंडशिप चल रही है, फ्रेंड जोन कर रखा है अभी पेट्रोल को। मतलब पेट्रोल आज की डेट में, पेट्रोल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट पांच प्रोडक्ट है, नेचुरल गैस, अरेबिक टरबाइन फ्यूल, क्रूड ऑयल, ATF, है ना, मोटर स्पिरिट, कुल मिला के पांच ऐसे प्रोडक्ट हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं जो आज की डेट में जीएसटी में नहीं है, इन पे जीएसटी नहीं लगता है, ठीक है, बट फ्यूचर डेट में कभी भी लग सकता है, जब स्टेट और सेंटर दोनों राजी होंगी तब, जबरदस्ती नहीं। तो क्रक्स क्या निकल के आ रहा है कि अल्कोहल तो जीएसटी से दूर दूर तक बाहर है, बाटली देखने का ही नहीं है बाबा, ठीक है, अल्कोहल तो जीएसटी में है ही नहीं, पेट्रोल जीएसटी में है, बट अभी भी पेट्रोल पे जीएसटी नहीं लगता, समझ रहे मेरी बात। तो अभी भी स्टेट का जो 50-60% रेवेन्यू है ना, वो पेट्रोल और अल्कोहल से आता है, सिर्फ स्टेट का 50% रेवेन्यू अदर देन 50 से क्या 55% रेवेन्यू पेट्रोल अल्कोहल से आता है, 60%, 40%, 45% रेवेन्यू जो है ना वो आइटम सिर्फ जीएसटी में है, जो आलतू फालतू के सामान थे वो जीएसटी में डाल रखे हैं, अभी भी ये चीजें नहीं है जीएसटी में, और अल्कोहल तो बिल्कुल भी नहीं है, पेट्रोल कभी फ्यूचर डेट से आ सकता है, अभी तक तो आया नहीं, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात, आप समझ में आ रहा है आपको यहां तक। क्रक्स क्या निकल के आया कि पेट्रोल, अब जैसे एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, रुको और कराता हूं, अभी कराता हूं, इसी तरीके से कुछ ऐसी चीजें थी जैसे तोबेको था, अब एक्साइज ड्यूटी ऑल तो बंद हो चुका है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने ऐसे किया कि टोबेको है, अब जैसे मान लो मैं हूं नेताजी, ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कि भारत टोबेको मुक्त रहे, और कभी भी हमारी सरकार टोबेको को प्रमोट नहीं करना चाहेगी, मैं चाहता हूं कि आप लोग कैंसर से दूर रहें और टोबेको का सेवन ना करें, इसलिए हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि टोबेको पे हम एक्साइज ड्यूटी भी लगाएंगे और जीएसटी भी लगाएंगे, जिससे हम ये इससे कि हम टोबेको को प्रमोट ना कर सकें, ठीक है। कुल मिला के ऑफिसर्स पीछे से क्या बोल रहे हैं मोदी जी को, अरे मोदी जी आप बड़े स्मार्ट हो, मतलब पैसा का पैसा है ना, और प्रचार का प्रचार, तो राजस्थानी है तो राजस्थानी लोग क्या बोलेंगे, पीसा का पीसा और प्रचार का प्रचार, दोनों ही काम हो गए ना। अब देखो जो तोबे को खाता है उस पर तुम कोई सी भी ड्यूटी लगा दो, कोई सा भी टैक्स लगा दो, वो तो खाएगा, एडिक्शन है तो, ठीक है, तो क्या हो गया, पैसा का पैसा आ गया और पब्लिसिटी की पब्लिसिटी हो गई, है ना। मोदी जी क्या बोलेंगे, बात पीसा की को नहीं, बात जनता की सुरक्षा की है, ठीक है, तो समझ रहे हो मेरी बात आप, कुल मिला के। तो अब तोबेको पे इसी तरीके से जो हार्मफुल प्रोडक्ट है, तोबेको हो गया, नारकोटिक ड्रग्स हो गए, ड्रग ओपीएम हो गया, इस तरह के जो प्रोडक्ट है ना, ओपीएम, ड्रग्स, तोबेको, इन पे डबल टैक्सेशन लगता है आज भी, एक्साइज ड्यूटी भी लगती है और जीएसटी भी लगता है, ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात आप, आर यू गाइस गेटिंग इट, क्या चल रहा है, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन कराता हूँ आपको, समझ जाएगा, थोड़ा सा रुको, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 17 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 क्या बोलता है, डिस्कस द लेविबिलिटी ऑफ जीएसटी और अदरवाइज ऑन द फॉलोइंग, एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, बाटली तो जीएसटी से बाहर है, एल्कोलिक लिकर तो एकदम ही दूर दूर तक जीएसटी से बाहर है, तो एल्कोलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इज आउटसाइड द रिलिम ऑफ जीएसटी, जीएसटी से ही बाहर है, ठीक है, द मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन ऑफ एल्कोलिक लिकर कंटिन्यूस टू बी सब्जेक्टेड टू स्टेट एक्साइज ड्यूटी, आज भी स्टेट का ही मैटर है इस पे,
सेंटर का कोई लेना देना नहीं है, सब्जेक्ट टू सीएसटी ऑब्लिक वैट, ये चलता है इस पे, ठीक है। पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ एंड नेचुरल गैस, इस पे क्या है, मैंने आपको बोला ये जीएसटी में, अभी जीएसटी नहीं लग रहा इन पे, फ्यूचर डेट में कभी भी लग सकता है, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि जीएसटी से बाहर है, बट अभी जीएसटी नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू था। पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ एंड नेचुरल गैस, एज रिगार्ड पेट्रोलियम क्रूड डीजल पेट्रोल एटीएफ नेचुरल गैस आर कंसर्न, दे आर इंपॉर्टेंट कीवर्ड क्या है एग्जाम में आंसर लिखने के लिए, दे आर नॉट प्रेजेंटली लेवेबल टू जीएसटी, एट प्रेजेंट जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी विल बी लेविड ऑन दीज प्रोडक्ट फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जब से जीएसटी काउंसिल बोलेगा तब से जीएसटी लगेगा। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या है, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है। तो जीएसटी कब चलेगा, जब से जीएसटी काउंसिल बोलेगा तब से जीएसटी लगेगा, लेकिन आज नहीं लगता। तो आप गलती से मत लिख के देना कि पेट्रोल पेट्रोल वाले और पेट्रोलियम प्रोडक्ट जीएसटी से बाहर है, बाहर नहीं है, बाहर तो एल्कलाइन लिकर है, ठीक है, ये जीएसटी के अंदर है पर आज की डेट में नहीं है, फ्यूचर से कभी भी लग सकता है, ठीक है। टिल सच डेट क्या लगेगी, ये सब लिख दो तो ठीक है, नहीं देखो तो भी चलेगा, एक्साइज ड्यूटी और सी एस टी वैट ये सब लगेगा, ठीक है। अब आते हैं तोबेको के केस में क्या लगेगा, तोबेको केस में क्या लगेगा, तोबेको इज विद इन द प्रीव्यू ऑफ जीएसटी, जीएसटी तो लगेगा ही लगेगा, साथ में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, ठीक है। और लास्ट में ओपियम इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स, इस केस में क्या हुआ कि तोबेको जो था ना, तोबेको उसके केस में तो मोदी जी ने बोला कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगा के हम रख लेते हैं इसका टैक्स, और जैसे बाकी चीजें हो गई नार्कोटिक ड्रग्स वगैरह, इसके केस में स्टेट को बोला कि आप स्टेट एक्साइज ड्यूटी लगा लो, इसका पैसा आप रख लो और जीएसटी तो लगाएंगे लगाएंगे। कुल मिला के तोबेको और इंडियन हम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के केस में क्या किया कि जीएसटी भी लगाया और एक्साइज ड्यूटी भी लगाई, तोबेको के केस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई। ऑल्दो ये चीज याद भी नहीं रहेगा ना कि सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी थी या स्टेट एक्साइज ड्यूटी, क्योंकि ये हमारे कोर्स में नहीं है कौन सी क्या ड्यूटी लगनी चाहिए, तो बस इस पॉइंट के लिए ध्यान में रख लो कि तोबेको केस में सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाई और ओपीएम इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के केस में क्या किया इन्होंने, जीएसटी भी लगाया और स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगाई, ठीक है, इंडियन हैम्प, ठीक है। तो जीएसटी इज लेवेबल ऑन देम एंड इसके केस में क्या होगा, स्टेट एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी, क्लियर है, समझ में आया। तो ओपीएम इंडियन हैम्प एंड अदर नार्कोटिक ड्रग्स के केस में क्या होगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। चलो इस तरीके से अपन कोई भी टॉपिक करेंगे साथ के साथ उसके क्वेश्चंस करते चलेंगे पूरी जीएसटी के अंदर एंटायर। ये तो पहला चैप्टर, तो फिर भी क्वेश्चंस इसके बड़े अजीब से ही है, अजीब से मतलब कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे वो बता दूंगा मैं आपको पहले चैप्टर में भी। आगे बढ़ते हैं, अब जीएसटी को आगे कंटिन्यू करते हैं अपन। अभी तक मैंने आपको क्या बताया कि भैया स्टेट कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कन्विंस किया, इनफैक्ट आप मानोगे नहीं, शुरू के 5 साल सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये बोला, कमिटमेंट किया स्टेट गवर्नमेंट को कि अगर आप नुकसान में जाते हो ना, अगर आप लॉस में जाते हो, सपोज करो जीएसटी से आने के कारण आपको लॉस हुआ, तो हम आपको कॉम्पनसेशन करेंगे, हम आपको कॉम्पनसेट करेंगे। इसके लिए आप देखोगे कि जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस करके नाम से भी एक टैक्स लगता है, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस, स्पेशली जैसे आप फॉर्चुनर खरीदने जाओ, बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदने जाओ, कई लग्जरी प्रोडक्ट खरीदने जाओ, तो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है। ये कॉम्पनसेशन सेस किस लिए, कि मोदी जी कह रहे हैं देखो भैया स्टेट गवर्नमेंट्स को जो लॉस होगा ना, उसका पैसा भी तो हम आपसे वसूलेंगे ना, जनता से, तो हम जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस नाम से टैक्स लगा दिया कि भाई जिन भी स्टेट गवर्नमेंट को नुकसान होगा उनकी जो भरपाई करनी होगी वो जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस के थ्रू होगी। तो ये जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस ये होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जीएसटी का कलेक्शन कैसे होता है, ठीक है, जीएसटी का कलेक्शन कैसे होता है, ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे साल भर में जितने भी ट्रांजेक्शन हुए उनका जीएसटी एक साथ दे दो, समझ रहे मेरी बात। ये मान लो 2020-21 में आपने इतना पैसा कमा लिया तो अब इस पे जीएसटी दे दो, ऐसा नहीं होता, कोई टाइम वैल्यू मनी नाम की भी चीज होती है, थोड़ी कि भाई पूरे साल भर आपको गवर्नमेंट एंजॉय करने देगी उस पैसे से, क्योंकि गवर्नमेंट का भी तो हक है ना उस पैसे में। तो गवर्नमेंट ये क्या बोलती है कि भैया एक पीरियड डिफाइन कर लेते हैं, ऐसा तो है नहीं कि हम रोज रोज भी जीएसटी देंगे गवर्नमेंट को, ये भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, मंथली कलेक्शन करते हैं, मंथली कलेक्शन मतलब कि फॉर एग्जाम्पल जनरली क्या होता है, अगले महीने की 20 तारीख को गवर्नमेंट क्या बोलती है, फॉर एग्जाम्पल इस महीने जैसे मई है, मई का जीएसटी कब दे दो, 20 जून तक दे दो, ठीक है, अगले महीने की 20 तारीख तक दे दो, हर मंथ कलेक्शन होता है। ऑल्दो कई जगह क्वार्टरली भी होता है, वो अपन पूरा आगे पूरा देखने वाले हैं, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। बट ऐसा जैसे इनकम टैक्स में भी आपने देखा होगा टीडीएस काटते हैं, आपका एडवांस टैक्स जमा कराना पड़ता है, तो इसलिए होता है कि गवर्नमेंट आपको एक साल का बेनिफिट थोड़ी देगी कि भाई एक साल तक मजे उठाते रहो, और कुछ टाइम पीरियड डिसाइड कर दिया जीएसटी के अंदर, मंथली टाइम पीरियड डिसाइड कर रखा है वैसे तो,
कई जगह क्वार्टरली स्कीम भी चलती है और बहुत तरह की चीजें भी हैं, वो अपन आगे देखेंगे। ठीक है, अब आप यहां तक आपको क्लियर हुआ कि आज जितना मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है, जितना मैंने आपको पढ़ाया अभी तक समझ में आया। अभी तक मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया? अभी तक मैंने आपको पढ़ाया कि जीएसटी से पहले क्या था वैट, वैट से पहले क्या था, वैट से पहले क्या दिक्कतें चल रही थी, फिर वैट जब आया तो डबल टैक्सेशन और टैक्स ऑन टैक्स हटा, फिर जीएसटी में क्या दिक्कत थी कि सीएसटी, वैट, एक्साइज ड्यूटी, इनमें आपस में कोलैबोरेशन नहीं था, फिर जीएसटी आया। अब आपको फ्यूचर, अभी अपन आगे लेक्चर्स लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कोलैबोरेशन कैसा है, क्रेडिट का सिस्टम कैसा है, पूरा का पूरा चैप्टर है इस पे तो। ठीक है, फिर आपको समझ में आया कि स्टेट गवर्नमेंट ने अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी अपने पास क्यों रख रखे हैं, वो भी आपको रीजन समझ में आया। ठीक है, ये चीजें आपको सिर्फ पता थी पहले, जैसे पेट्रोल है, हर स्टेट अपना अपना टैक्स लगाता है, आपको पता है हरियाणा में पेट्रोल की रेट अलग है, राजस्थान में अलग है, गुजरात में अलग है, हर स्टेट में अलग अलग है, ये आपको पता है और लॉजिक आपको समझ में आ गया होगा आज। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जीएसटी काउंसिल क्या होता है, अब मैं आपको बताऊं, एक आर्टिकल है, अगर आप बुक देखोगे इस चैप्टर के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल है ये, अगर एग्जाम में 5 नंबर का क्वेश्चन आया तो यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लास्ट टाइम उम्मीद थी बट आया नहीं, तो इस बार पूछ सकते हैं, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल। अब ये जीएसटी काउंसिल क्या बोलता है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ध्यान से सुनना, आर्टिकल 279A जीएसटी काउंसिल क्या बोलता है, इन्होंने ऐसे बोला कि जीएसटी काउंसिल है क्या बेसिकली, जैसे अपन को कोई भी दिक्कत होती है आईसीआई से तो हम आईसीआई के पास जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपकी आर्टिकल शिप 3 साल की जगह 2 साल की कर देनी चाहिए, स्टाइपेंड 2,000 की जगह 20,000 कर देना चाहिए, है ना, रिजल्ट परसेंटेज हल्का सा बढ़ा देना चाहिए, सीए बनने के बाद पैकेज 20 लाख से ऊपर ही लगना चाहिए, और भी कोई सी समस्याएं आपकी हो तो आप बता सकते हैं ना, इस तरह की जितनी भी समस्याएं होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, हम आईसीआई से तो बोलेंगे, और किससे बोलेंगे, तो आईसीआई, जैसे सपोज करो आपको घर में, आप छोटे हो, आपको चॉकलेट चाहिए तो आप किसको बोलोगे, मम्मी को बोलोगे अपनी। ठीक है, तो एक कुल मिला के अब जीएसटी से रिलेटेड जितने भी डिसीजन होंगे ना वो कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल लेगा, तो एक बॉडी बना दी, थोड़ी कि हर बात के लिए कोर्ट में चले जाएंगे, मम्मी चॉकलेट नहीं दे रही तो आप कोर्ट में चले जाओगे, ऐसे ही आपके आर्टिकलशिप का पीरियड 3 से 2 नहीं कर रहा या स्टाइपेंड नहीं बढ़ा रहा तो आप कोर्ट में चले जाओगे, है ना, ये थोड़ी करोगे आप, तो जीएसटी में आपको कोई बात मंगवानी है तो डायरेक्टली कोर्ट में चले जाओगे, कोर्ट में तो तब जाते हैं जब अपनी बॉडी ना सुने। ठीक है, आप मम्मी से, दादाजी के, पापा से, दादाजी के पास कब जाओगे जब पापा ना सुने आपके। ठीक है, जब आपको स्कूटी चाहिए थी, साइकिल चाहिए थी, कितने बच्चों को तो साइकिल दादाजी ने दिलाई होगी, है ना, तो वो तो अपन तब जाते हैं जब काम नीचे लेवल पे ना बने, इसी तरीके से हम कोर्ट में कब जाते हैं जब काम नीचे लेवल पे ना बने। ठीक है, कोर्ट में तब जाते हैं, बाकी हम सबके लिए अपेक्स बॉडी बना रखी है कि भाई इस मैटर पे सुनवाई कौन करेगी, अपेक्स बॉडी करेगी। इसी तरीके से जीएसटी काउंसिल बना दिया जो जीएसटी से सारे मैटर यही डिसाइड करेगी सब कुछ, अब कोई तकलीफ है तो फिर आप कोर्ट में जाओ, अपील्स में जाओ। ठीक है, अब जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से लोग होंगे, अब पहली बात तो जीएसटी क्या है, सेंट्रल स्टेट का मर्जर है, आपको भी पता है कॉन्स्टिट्यूशन में ही था हमारे, तो फेडरल सिस्टम है इंडिया का, तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पास इक्वल राइट्स हैं जीएसटी लगाने के लिए, क्योंकि दोनों ने अपने अपने कुछ कुछ टैक्सेस कॉम्प्रोमाइज किए हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट सर्विस टैक्स एक्साइज ड्यूटी किया है तो स्टेट गवर्नमेंट ने भी अपना वैट कॉम्प्रोमाइज किया, दोनों ने अपना अपना हक ले लिया। क्या डिसीजन हुआ कि जितनी भी कमाई होगी ना उसका आधा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट रखेगी, आधा पैसा स्टेट गवर्नमेंट रखेगी, ये डिसीजन हुआ, जितनी भी कमाई होगी उसका आधा आधा पैसा दोनों बांट लेंगे। कुल मिला के जब हक दोनों का है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो जीएसटी काउंसिल के अंदर मेंबर्स भी दोनों के बैठेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठेंगे और स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी बैठेंगे। भाई दो लोगों की जब पार्टनरशिप हुई है तो डिसीजन एक जना कैसे ले लेगा, दोनों लेंगे ना, तो जीएसटी काउंसिल एक ऐसी बॉडी है जो जीएसटी से रिलेटेड सारे डिसीजन लेती है और उसके अंदर सेंटर के लोग भी बैठे होते हैं और स्टेट के लोग भी बैठे होते हैं। समझ में आया जीएसटी काउंसिल क्या है? ठीक है, बड़ा लॉजिकल है। अब आप देख लो जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ऐसा एग्जाम में 2 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, नवंबर 19 और नवंबर 20 में एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका, हो सकता है नवंबर 23 अगला टारगेट हो आपका 3 साल बाद। ठीक है, ऑल द लास्ट टाइम में भी उम्मीद थी। अब जीएसटी काउंसिल के मेंबर कौन कौन से होते हैं, पहला यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, जैसे हमारी निर्मला सीतारमन जी है, ठीक है, वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, सेंटर की सबसे बड़ी फाइनेंस की मेंबर है, वो तो होंगी होंगी। दूसरा यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस इज द मेंबर, ये क्या बोलता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज, ये बोल रहे हैं कि है तो यूनियन का मिनिस्टर, है तो यूनियन का मिनिस्टर,
लेकिन चार्ज उसके पास किसका है, चार्ज उसके पास है स्टेट का। मतलब आप समझना मेरी बात, जैसे कभी शादी होती है घरों में, अब जो लड़की का भाई होता है ना, है तो वो लड़की वालों की तरफ से, लेकिन सारे काम वो लड़के वालों की तरफ के लिए ही कर रहा होता है। वो उनका ध्यान रखना, उन्हीं वही डुला रहे होते हैं उसको, ऐसा कर ले, ये रस्म पूरी कर, वो कर, ये कर। तो है तो यूनियन मिनिस्टर है, सेंटर का आदमी, लेकिन काम वो स्टेट के लिए कर रहा है। ठीक है, ठीक है, समझ रहे मेरी बात कि भाई शादी भले ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ की है, लेकिन रहता स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। समझ रहे मेरी बात, अब समझ गए होंगे। तो क्या है, जीएसटी काउंसिल के अंदर कौन कौन से मेंबर होंगे? जीएसटी काउंसिल के अंदर, पहला जो मेंबर होगा वो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर जो निर्मला सीतारमन जी, वो तो होंगी होंगी, वो अपेक्स है वो तो, ठीक है। दूसरा दूसरा कौन होगा कि यूनियन मिनिस्टर ही होगा, लेकिन उसके पास स्टेट का चार्ज होगा, स्टेट का मैटर करेगा। और तीसरा, हर स्टेट अपने अपने मेंबर्स क्या करेंगे, हर स्टेट अपने अपने मेंबर्स क्या करेंगे, नॉमिनेट करेंगे। भाई करेंगे ना, हर स्टेट अपना बंदा भेजेगा, जो भी फाइनेंस मिनिस्टर होगा अपना या किसी को भी। देखो हर स्टेट अपनी अपनी बात रखेंगे कि ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, उनके स्टेट में उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, उनको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी बात रखेंगे, सब मिलजुल के काम में करेंगे। आर यू गाइस गेटिंग इट? इतना समझ में आया आप लोगों को? अब एक काम करते हैं, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, पूरा जीएसटी काउंसिल समझाता हूँ, वोटिंग कैसे होती है, पुराना फटाफट से रिवाइज 5-10 मिनट में करवा दूंगा, फिर नया करवा दूंगा। हार्डली 15 से 20 मिनट और लगेंगे, चैप्टर खत्म हो जाएगा और अगला चैप्टर सप्लाई शुरू कर देंगे। ठीक है, कल वाला लेक्चर भी डेमो लेंगे, ठीक है, और फिर उसके बाद ऐप पे आ जाएंगे डायरेक्टली। ठीक है, अगर आप लोगों को आज अच्छा लगा, समझ में आया बेसिक्स, मेरे ख्याल से कभी शायद क्लियर नहीं थे आप लोगों के, क्लियर हो गए होंगे। इसी तरीके से पूरा लॉ और एक एक क्वेश्चन हम क्लास में खत्म करेंगे साथ के साथ, ऐसे नहीं एंड में खत्म कर रहे हैं, विद द टॉपिक इटसेल्फ। ठीक है, क्लास में रिवीजन आसानी से निकल जाएगा एकदम, ठीक है, और बड़े एंटरटेनिंग वे में निकालेंगे। आज तो पहली क्लास थी तो थोड़ा सीरियस रहना पड़ता है ना, तो आसानी से निकल जाएगा ये चैप्टर, पूरा का पूरा सिलेबस निकल जाएगा। और अगर आपको अच्छा लगा, समझ में आया, ठीक है, मैं तो कह रहा हूँ जो लोग जैसे अदर देन क्लास स्टूडेंट भी देख रहे हैं ना, जो क्लास लेने का भी सोच रहे हैं, एक दो लोगों को और डेमो देख लो आप, मैं इतनी बात गारंटी से बोल सकता हूँ कि अगर आपको और मेरा वाइव मैच कर गया ना, जो मैं बोलता हूँ आपको समझ में आने लग गया, 2-3 दिन में मैच कर जाता है, 3-4 दिन में मैच कर जाएगा। अगर वो सेम हो गया ना, आपका जीएसटी फेवरेट सब्जेक्ट होगा, इस बात की गारंटी है। ठीक है, पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा। बुक की पीडीएफ मैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3 की पीडीएफ दे दूंगा, तब तक बुक्स आ जाएंगी आपके पास, पूरी बुक की पीडीएफ देके लीक थोड़ी करवानी है बुक। ठीक है, क्लास की लिंक आप स्पैम फोल्डर में चेक करना, आ गई होगी, और नहीं आई होगी तो मैं टेलीग्राम ग्रुप पे अपना जो प्राइवेट ग्रुप है ना, उस पर एक नंबर शेयर कर दूंगा, उनको कॉल कर लेना, वो भेज देंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्यूशन के लिए कॉपी करने, आपको लगता है कि आईटीसी चैप्टर और वैल्यूएशन में जरूरी है, बाकी तो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 चैप्टर में जरूरत है, मैं खुद बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, तो आज पहला लेक्चर था, पहला लेक्चर थोड़ा बोरिंग ही होता है क्योंकि बेसिक चैप्टर है, सप्लाई से बड़ा मजा आता है, स्पेशली सप्लाई और एग्जामिशन से तो बहुत ही अच्छा फील आने लग जाता है, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल से सब कुछ है। पहला चैप्टर बोरिंग होता है तो इसलिए क्लास छुट्टी रखी, पर फिर भी मेरे को 2 घंटा झेलने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और ठीक है, थैंक्स अलॉट, कल मिलते हैं वापस 7:30 बजे। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर।